किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं 20 करोड़ इंसान बनाया हर इंसान ने जात पात धर्म मजहब का धंधा शुरू किया लोग मेरे पास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं और ना उठ के चले गए? वो इसलिए कृष्ण नहीं सेवेंटी सेवन यानी के सतहत्तर प्रतिशत इंसान टेररिस्ट के खौफ में जीते स नाइन्टी फाइव प्रतिशत कुछ सालों से द्वारका की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है जैसे एक भक्त भग भगवान के बिना अधूरा होता है वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता फिल्मों में वर्षों से यही रूप मेरा चलता आ रहा है उसी रूप में आपके सामने खड़ा तेरा बदला अहंकार है नहीं माया है करोड़ साठ लाख तीन सौ पचास वाली इस कंट्री में एक चीज हर जगह दिखाई देती है डर लगभग फोर्टी टू परसेंट लोग पानी से डरते हैं 53 प्रतिशत जनता को भूकंप का डर सताता है प्रतिशत पीपल्स अपनी बीवियों से डरते हैं और जिससे 100 प्रतिशत बीविया भी डरती हैं वो है हु अदर देन भगवान तो हो। तुम क्या सोच रहे हो तेरा बदला अहंकार है मुक्ति नहीं माया है क्या कर लेगा भगवान में अभी तुमने मेरे को तुम मर जाना था जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है मैं कृष्ण हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ चमत्कार करता हूँ सक्षम पाप के लिए धन्य मिलेगा तुझे, वो तुझे। दंडित करेगा पांच सहस्त्र वर्ष पूर्व ही इस दुर्घटना की जानकारी दी दुर्घटना लिखी थी और निष्कर्ष भी लिखा अरे मैं उसी रूप में आया हूँ जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे कैलेंडर पे। तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई देख पाएगा लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओ माई गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माई गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में प्रेस रावल ने निभाई थी जबकि अच्छे भगवान वे कपूर की फिल्म एनिमल और सुनी देवल की गदर टू भी रिलीज होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव की अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भसम लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार गदर गू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षय कुमार स्टार ओ एम जी टू और रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज के लिए तैयार है दरअसल अक्षय कुमार स्टार ओ एम जी टू पिछले तेईस मई को ओ टी टी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय ले लिया है अमित राय ने ओ एम जी टू को डायरेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंधविश्वास की दिलचस्प कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में आधारित है ने फिल्म में एडल्ट एजुकेशन के हकीकत को लेकर बातें की है, में परेश रावल की ने ली है। वही इस बार भगवान शिव के रोल में नजर आने वाले हैं फिल्म ओ एम में रामायण फेम अरुण गोबिल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में हैं रणबीर कपूर स्टारर एनिमल भी बॉक्स ऑफिस पर

पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामि गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी दो बने में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और प्रेस रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ के जी के शुक्ल अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोविल नवंबर दो में भगवान राम के में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च की दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी ओ एम एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की व्यंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा लिखित और निर्देशित है या का है और इसमें अक्षय कुमार, पंकज मि गौतम अरुण गोबिल और आमिर नाईक हैं। यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपुल ढिसा राजेश बहल और अश्विन वर्दे के द्वारा किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माय गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माई गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहां ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में परेश रावल ने निभाई थी जबकि अच्छे भगवान कृष्ण के रूप में अपनी पिछली भूमिका ही निभाएंगे फिल्म की कहानी परीक्षा दबाव और काले प्रवेश जैसे विषयों जैसे मुद्दों को भी उजागर करेगी अमित राय के निर्देशन में बन रही ओमाई गार्ड टू की शूटिंग अगले कुछ दिनों तक पंकज अकेले ही करेंगे इसके कुछ दिन बाद यामी गौतम फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम के साथ जुड़ेंगी उत्साह तो को और ज्यादा बढ़ाएगा जिससे मूवी को देखने के लिए दर्शक भारी मात्रा में सिनेमाघर का रुख करेंगे अक्षय कुमार फिल्म ओ माई गार्ड टू ग्यारह अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है हालांकि इसकी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिड़ंत होने वाली है उसी दिन रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल और सनी देवल की गदर टू भी रिलीज होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भस्म लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार गदर टू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षय कुमारर ओ एम टू और रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज के लिए तैयार है दरअसल अक्षय कुमार ओ एम टू पिछले तेईस मई को ओ पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय ले लिया है अमित राय ने ओ को डायरेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंधविश्वास की दिलचस्प कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में आधारित है ने फिल्म में एडल्ट एजुकेशन के हकीकत की है 2 के पहले भगवान, भगवान शिव के रोल में, में, में नजर आने वाले हैं फिल्म ओ एम में रामायण फेम अरुण गोबिल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में हैं रणबीर कपूर स्टारर एनिमल भी बॉक्स ऑफिस पर अगस्त को रिलीज होगी इसके अलावा स्टारर गदर रिलीज होने वाली है। इन की फिल्में एक को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी ओ 2 एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की व्यंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह ओ का अत्याधुनिक स्वकल है और इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी और अश्विन वाडेज और इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म वाइकोन एटीन स्टूडियो और वकाफ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वाइकोमेटीन स्टूडियो वालों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक हाई बजट काइंड ऑफ फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी अमिलिंदु चौधरी ने की हुई थी एडिटिंग है वो सुवीर नाथ ने की हुई थी जिन्होंने 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे 35 मिनट लंबी यह फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोहत्रा से हंसराज रघुवंशी डी जे स्ट्रिंग प्रणय और, और सा, संदीप सान्दलिया ने काम किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स थे वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार लोड सिवा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनके मैसेंजर का रोल वहीं पर पंकज त्रिपाठी ने कांति सर मुंडगल का रोल प्ले किया हुआ यामी गौतम कामिनी माहेश्वरी के रोल में दिखाई देंगी पवन मल्होत्रा ने जज पुरुषोत्तम नागर का रोल प्ले किया हुआ है गोविंद नामदेव आपको पुजारी के रोल में दिखाई देंगे अरुण गोविल ने प्रिंसिपल अटलनाथ माहेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ब्रिजेंद्र काला देखने को मिलते है जो डॉक्टर गगन मालवीय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अरुण वर्मा ने विवेक का रोल प्ले किया हुआ है अरुण वर्मा इस फिल्म में कांती लाल के बेटे का रोल प्ले करते कांति सरन के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे गीता अग्रवाल ने इंदुमती कांति सरन मुर्गल का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत कुमार चौधरी इस फिल्म में नागदेव सर के रोल में दिखाई देंगे विजय मिश्रा ने एडवोकेट अजय बुंदेला का रोल प्ले किया हुआ है सितीश पवार ने इसमें हवलदार लालचंद का रोल प्ले किया हुआ है यश भोजवानी इस फिल्म में अनूप का रोल प्ले किया हुआ है श्रुति गोपा गोलाप ने इस फिल्म में मुक्ता मेम का रोल प्ले किया हुआ है राजीव कचरू ने इस फिल्म में सुनील डी कोस्टा का रोल प्ले किया हुआ था वेदिका नवानी ने इस फिल्म में सोफी का रोल प्ले किया हुआ है भावेश बबानी ने इस फिल्म में सोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जज के बेटे का रोल था वहीं पे इस फिल्म में वीणा मेहता देखने को मिलेगी जो चंदू की मां का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी करण आनंद ने इस फिल्म में प्रफुल महेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति तिवारी ने पांडे जी के डॉटर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आश्रय मिश्रा ने इस फिल्म में पांडे जी के ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा एजोई चक्रवर्ती इस फिल्म में आपको डिफेंडर एडवोकेट के रोल में दिखाई देंगे प्रताप वर्मा ने मौलवी का रोल प्ले किया हुआ है नम्रता कपूर ने मोना के माध माँ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत सोनी ने मिडल एज मैन का रोल प्ले किया हुआ है मनोज दत्त ने इस फिल्म में कांति के डॉक्टर का रोल प्ले किया वैसे शिव कुमार वर्मा प्रोटेस्टिंग मैन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा पराग छापे करने इस फिल्म में मेडिकल स्टोर ओनर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सी इमरन शर्मा ने फीमेल प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट और कास्टिंग की शुरुआत दो में हो गई थी कुछ इनिशियल रोमर्स आए थे कि ओ माई गोड टू आने वाले जिसमें पहले पार्ट से परेश रावल और अक्षय कुमार अपना रोल रिप्राइज करेंगे लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट से पता चला कि परेश रावल ने ये प्रो, इस प्रोजेक्ट को करने से डिनाई किया उसके बाद में जून 2021 में सिक्वल के ऊपर ऑफिशियल फाइनली कन्फर्मेशन सुनाई दी गई जहां पे नई स्टोरी लाइन थी स्टेन लॉन्स सिकवल था जहां पे अक्षय कुमार ने अपना रोल रिप्राइज़ किया इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को इस फिल्म में उसी महीने में जब अनाउंसमेंट हुई थी उसी महीने में रोप किया गया था उनको इस कहानी के साथ जोड़ा गया था उसके बाद में अरुण गोविल ने काफ़ी लंबे समय के बाद इस फिल्म में प्रिंसिपल के तौर पे नवंबर 2021 में इस कास्ट को ज्वाइन किया हुआ था और एक कम किया हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की जो फिल्मिंग पंकज त्रिपाठी को लेते हुए पहले शेड्यूल में 2 सितंबर 2021 को मुंबई से स्टार्ट की हुई थी अक्षय कुमार ने इस फिल्म के शेड्यूल को फिल्म के सेकंड शेड्यूल में आए थे उन्होंने उन्होंने एक टच दिया हुआ इस अपनी एक्टिंग के साथ इस किरदार में वो बढ़िया था पंकज त्रिपाठी वो पूरी फिल्म में काफ़ी लंबे स्क्रीन प्रेजेंस में देखने को मिलते हैं और उनका वो स्क्रीन प्रेजेंस उनके वो बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी टाइमिंग डायलॉग डिलीवरी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी कॉमेडी टाइमिंग उनकी इम्पेकेबल थी जिस तरह से कोर्ट रूम सीन्स क्रिएट किए गए थे उनके रिगार्डिंग वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे यामी गौतम एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आती है एक्सपर्ट लॉयर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है आरुष वर्मा इस फिल्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं जिस तरह से रूम प्रोसेडिंग होते उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डायरेक्टर ने क्राफ्ट किया हुआ था जहाँ पे जिस तरह से सेक्स वर्कर के साथ जो सीक्वेंस क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें बढ़िया थी और ओवरऑल जिस तरह से इन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई थी मेकरस उसमें कामयाब रहे पवन मल्होत्रा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जज के रोल में काम किया हुआ है माइनस पॉइंट की बात करें तो अक्षय कुमार का रोल काफ़ी इम्पेक्टफुल था लेकिन जिस तरह से उनका स्क्रीन टाइम था उससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं कम था थोड़ा ज़्यादा ही कम था पहले हाफ़ में तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते एक हाथ क्लिप में फ्यू मिनट्स के लिए सेकंड हाफ में उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत सीन्स में देखने को मिलेंगे फिल्म की स्पेस थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है कुछ सीन्स में आपको इसके अलावा एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिल्म को लंबी कर रही थी तो उसको चॉप प्रूफ किया जा सकता था जिस वजह से चीज़ें और इन्जॉयबल हो पाती और इस फिल्म में जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्शन के तौर पे कुछ सप्लोट देखने को मिलते हैं उसको भी हटा दिया जा सकता था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम किया हुआ है हर हर महादेव गाना है वो भी काफ़ी बढ़िया है रघुवंशी के द्वारा जो गाना क्रिएट किया गया है ऊँची ऊँची वादी वो भी आपको पसंद आएगा उन सभी गानों को ये फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी स्टुपेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया सुपेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है इस फिल्म में मेजोरिटी कॉटरम सीन्स देखने को मिलते हैं आर्ट डायरेक्शन वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नजर आता है उन्होंने काफी परफेक्टली काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आती है डायरेक्टर अमित फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की पोस्टर के साथ मार्केटिंग की गई थी अक्टूबर 2021 में जब अनाउंसमेंट हुई थी तब लॉर्ड शिवा के अवतार में अक्षय कुमार का किरदार देखने को मिला था और उस पोस्टर को लॉन्च किया था जिसके चलते अच्छा बस क्रिएट हुआ था टीजर था वो ग्यारह जुलाई दो को प्रीमियर कर रिलीज करवाया गया उससे भी एक अच्छा पॉजिटिव वाइब आई फिल्म का ट्रेलर था उसको तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया जिसको यूएस सर्टिफिकेट मिला और ट्रेलर था उसमें काफी कट्स लगाए गए थे काफी सारे चेंजेस किए गए थे जहाँ पे अक्षय कुमार जो लॉर्ड शिवा का रोल प्ले कर रहे थे उसके बाद में वो किरदार चेंज करते हुए उसके डिवोटी का रोल प्ले करते हुए वो नजर आए उनके मैसेंजर के तौर पे और करीबन 25 से 30 मॉडिफिकेशन और कट्स के साथ चीजों को रिलीज किया गया था ए सर्टिफिकेट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे इस फिल्म में कांति सरन मुड़गल जिसका रोल प्ले करे पंकज त्रिपाठी वो एक पूजा सामग्री की एक दुकान चलाते छोटी सी जहाँ पे वो लोड शिवा यानी कि शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त है उनके दो बेटे एक का नाम है विवेक जो आरुष सर वर्मा वो रोल प्ले कर रहे दो बच्चों में से आरुष वर्मा का रोल है वो विवेक का है जो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है स्कूल टॉयलेट में उसका मास्टर का वीडियो होता है वो गौतम अरुण गोबिल और आमिर नायक हैं यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपिल राजेश बहल और अश्विन वर्दे के द्वारा इसकी उत्पादन कंपनियां हैं कैप ऑफ गुड फिल्म वायकाम एटीन एट स्टूडियोज और वकआउ फिल्म यह वितरित की गई है वायकाम एटीन एट स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हजार भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामि गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी दो में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और प्रेस रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ एम जी के शुक्ल की अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोविल नवंबर दो हज़ार इक्कीस में भगवान राम के में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म अक्षय कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था अक्षय कुमार स्टारर और सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड यानी ओ एम जी इन दिनों अपने शोकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लॉप के मार झेल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं वहीं बीते दिन अक्षय ने ओ माय गॉड टू के रिलेटेड से पर्दा उठाया था जिसके बाद से फैंस इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं वही अब ओ एम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षय के फैंस का खुश होना लाजमी है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी

भारी मात्रा में सिनेमाघर का रुख करेंगे अक्षय कुमार फिल्म ओ माई गार्ड टू ग्यारह अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है हालांकि इसकी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिड़ंत होने वाली है उसी दिन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और सनी देवल की गदर टू भी रिलीज होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थी में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान सिंह के अवतार में रिलीज होने वाली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमित पटेल स्टार

के हकीकत को लेकर बातें की है ओ एम के पहले भगवान में अक्षय कुमार भगवान कृष्ण बने थे और परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ट में परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी ने ली है वही अक्षय इस बार भगवान शिव के रोल में नजर आने वाले हैं फिल्म ओ एम में रामायण फेम अरुण गोबिल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में हैं रणबीर कपूर स्टारर एनिमल भी बॉक्स ऑफिस पर ग्यारह अगस्त को रिलीज हो दस्तक देने जा रही है हालांकि इसके बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिड़ंत होने वाली है उसी दिन रणबीर कपूर की फिल्में एनिमल और सनी देवल की गदर टू तो भी रिलीज होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भस्म लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकरस ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और गदर टू रिलीज हो रही है, है। तेईस मई को ओ टी टी आरोप रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय ले लिया है अमित राय ने ओ एम टू को डायरेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंधविश्वास की दिलचस्प कहानी खाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में आधारित है मेकर्स ने फिल्म में एडल्ट एजुकेशन के हकीकत को लेकर बातें की है ओ एम के पहले भगवान में अक्षय कुमार भगवान कृष्ण बने थे और परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ट में परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी ने ली है वही अक्षय इस बार भगवान शिव के रोल में नजर आने वाले हैं फिल्म ओ एम में रामायण फेम अरुण गोबिल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में है रणबीर कपूर स्टारर एनिमल भी बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को रिलीज होगी इसके अलावा सनी देओल स्टारर गदर 2 और अक्षय कुमार स्टारर ओएमजी 2 भी 11 अगस्त को थिएटर में ही रिलीज होने वाली है इन तीनों स्टार की फिल्में एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी ओएमजी 2 एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा के व्यंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह ओ का अत्याधुनिक शुकल है और इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यमि गौतम अरुण गोबिल और आमिर नाइक हैं यह उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा अक्षय कुमार की इस फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग महाकाल मंदिर में होनी है बताया जा रहा है कि उज्जैन में ओ एम की शूटिंग का करीब दो हफ्ते का शेड्यूल है इस दौरान उज्जैन की अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों पर फिल्म के अलग अलग सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर पर 11 अगस्त को रिलीज होगी इसके अलावा सनी देवल स्टारर गदर 2 और अक्षय कुमार स्टारर ओ एम भी ग्यारह अगस्त को थिएटर में ही रिलीज होने वाली है इन तीनों स्टार की फिल्में एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी ओ एम एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की व्यंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा लिखे तो निर्देशित है। या का है। और इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यमी गौतम अरुण गोबिल और आमिर नाइक हैं। यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपुल ढिसा राजेश बहल और अश्विन वर्दे के द्वारा इसके उत्पादन कंपनियां हैं कैप ऑफ गुड फिल्म वाइकाम एटीन स्टूडियोज और वकाओ फिल्म यह वितरित की गई है वायकाम एटीन स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हजार भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामि गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी दो में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और प्रेस मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ एम जी के शुक्ल की अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि फिल्म जहां पे जिस तरह से सेक्स एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर जो उन्होंने एक कटाक्ष किए हुए हैं उसी के साथ में उसमें कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए जिस तरह से फिल्म को पेश किया हुआ वो बढ़िया है फिल्म का कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बोल्ड कंटेंट था पावर पेक परफॉर्मेंसिस के साथ वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है और भी ज़्यादा जहाँ पे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामी गौतम फिल्म को काफ़ी बढ़िया लेवल पर ले जाते हैं म्यूज़िक अच्छे गाने अच्छे तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है ओमाई गोड टू फिल्म को थिएटर में हिंदी वर्जन में ही रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को आ, एक सौ पचास पचपन मिनट के रन टाइम के साथ ए सर्टिफिकेट के साथ ग्यारह अगस्त दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला आई एम डी पे करीबन पंद्रह हज़ार वोट मिले जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से पहले दिन इस फिल्म ने गदर टू के भारी भरकम बस के सामने एक अच्छा कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पर फ्राइडे के दिन दस करोड़ छब्बीस लाख का नेट कलेक्शन निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का कलेक्शन पचास परसेंट बढ़ा गया जहाँ पे सैटरडे के दिन करीबन फिल्म ने पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने और 15 परसेंट कलेक्शन बढ़ाया से टडे के मुकाबले जहां पे 17 करोड़ 55 लाख का कलेक्शन हुआ और फिल्म का वीकेंड करीबन तिरतालीस करोड़ 11 लाख का इंडिया से निकल के आया वहीं पे मंडे के दिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले एक टेस्टिंग डे होता है कि फ्राइडे के मुकाबले करीबन फिफ्टी टू सिक्सटी अगर कलेक्शन आ जाए तो फिल्म अच्छा रन कर सकती है लेकिन इस फिल्म ने तो चमत्कार ही किया जहाँ पे पहले दिन दस करोड़ का कलेक्शन था तो इस फिल्म में मंडे के दिन यानी कि चौथे दिन बारह करोड़ छह लाख का कलेक्शन किया डेज के ऊपर ये फिल्म बढ़िया वर्क कर रही है जहाँ पे इस फिल्म ने इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर भी एक अच्छे खासे ओपनिंग हासिल की एक अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया हुआ है इस फिल्म ने चार दिनों के अंदर करीबन पचपन करोड़ सत्रह लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया और पैंसठ करोड़ अड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था वहीं पर ओवरसीज से जो ग्रोस कलेक्शन था वो ग्यारह करोड़ तीन लाख का निकल के आया जिसके चलते इस फिल्म ने छिहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख का कलेक्शन इंडिया और ओवरसीज से दोनों को मिला के वर्ल्ड वाइड लेवल पे चार दिनों के सॉरी तीन दिनों के अंदर चार दिनों के अंदर करके दिखाया हुआ है ओमाई गोड टू फिल्म की ओ टी टी के ऊपर बातचीत करें तो ओ टी राइट है वो जियो सिनेमा के पास है मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि कुछ सोर्सेज से पता चला है उनके पास है वहीं पे जो सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है तो ओ एम जी टू फिल्म आपको आने वाले कुछ महीनों के बाद जियो सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी हिंदी के साथ हो सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेज में वो इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं वहीं पर ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को आप सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्रेम में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ एम टू फिल्म है वो आपको आने वाले कुछ महीनों में जियो सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे इस फिल्म को आप विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में इसके अलावा सेटेलाइट प्रीमियर कलर कलरप्लेट टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से ओएम जी फिल्म आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आने वाले समय में देख सकते हो

जो 2023 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है ये फिल्म 2012 की फिल्म ओ ओमाई गोड का सीखवा है दो हज़ार बारह की गोड के बारे में बातचीत करें तो वो एक सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे एक गुजराती प्ले था कांजी विरुद्ध कांजी उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी हालांकि वो प्ले है वो भी बिल्ली कॉनली के द्वारा द मैन वो स्यूड गोड करके जो एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने कांजी विरुद्ध कांजी बनाए उससे इंस्पायर्ड होकर ओ ओमाई गोड फिल्म हिंदी वर्जन में बनी हुई थी जिसके लीड रोल में अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती थे इसके अलावा ओम पुरी गोविंद नामदेव पूनम झावर पूजा गुप्ता और महेश मंजरेकर जैसे एक्टर्स पावर्टल रोल में देखने को मिले थे तो ये सभी लोग फिल्म के साथ जुड़े हुए थे जहाँ पे इन इन लोगों ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ था साठ करोड़ में बनी उस फिल्म ने दो हज़ार में एक सौ करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके कुछ सालों के बाद इस फिल्म के सिकवल के ऊपर बातचीत की गई और उसके बाद में कोविड कोविड के बाद में सिक्वल की रूमर आने लग गई और उसी के साथ बताया जा रहा था कि इस सिक्वल में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे स्टैंड ऑन सिकल होने वाला है तो ठीक उसी तरह इस फिल्म के जो में कॉमेडी ड्रामा तो था ही लेकिन उसमें इस बार सेक्स एजुकेशन को दिखाया गया था इंडियन स्कूल में सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक कटाक्ष में एक में चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे कॉमेडी ड्रामा का तड़का भी लगाया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें अमित राय ने की हुई थी जो इस फिल्म के साथ डिरेक्टर में करीबन दस बारह साल के बाद कम करते हुए नजर आए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था विपुल डिसा रूना भाटिया राजेश बहल और अश्विन वार्डेज और इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म वाइको नेटिन स्टूडियो और वाकाउ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वाइकोमेटीन स्टूडियो वालों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक हाई बजट काइंड ऑफ फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी दो चौधरी ने की हुई थी एडिटिंग है वो सुवीर नाथ ने की हुई थी जिन्होंने 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे 35 मिनट लंबी फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोत्र से हंसराज रघुवंशी डी जे स्ट्रिंग और प्रणय और संदीप संदलिया ने काम किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स थे वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार लोड सिवा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनके मैसेंजर का रोल वहीं पर पंकज त्रिपाठी ने कांति सरन मुडगल का रोल प्ले किया हुआ यामी गौतम कामिनी माहेश्वरी के रोल में दिखाई देंगी पवन मल्होत्रा ने जज पुरुषोत्तम नागर का रोल प्ले किया हुआ गोविंद नामदेव आपको पुजारी के रोल में दिखाई देंगे अरुण गोविल ने प्रिंसिपल अटलनाथ माहेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ब्रजेंद्र काला देखने को मिलते जो डॉक्टर गगन मालविया का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे अरुण वर्मा ने विवेक का रोल प्ले किया हुआ है अरुण वर्मा इस फिल्म में जहाँ कांती लाल के बेटे का रोल प्ले करते कांती शरण के बेटे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे गीता अग्रवाल ने इंदुमती कांती शरण मुडल का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत कुमार चौधरी इस फिल्म में नागदेव सर के रोल में दिखाई देंगे विजय मिश्रा ने एडवोकेट अजय बुंदेला का रोल प्ले किया हुआ है सितीश पवार ने इसमें हवलदार लालचंद का रोल प्ले किया तो हुआ है यश भोजवानी ने इस फिल्म में अनूप का रोल प्ले किया हुआ है श्रुति गोपा गोला आपने इस फिल्म में मुक्ता मेम का रोल प्ले किया हुआ है राजीव कचरू ने इस फिल्म में सुनील डी कोस्टा का रोल प्ले किया हुआ था वेदिका नवानी ने इस फिल्म में सोफी का रोल प्ले किया हुआ है भावेश बबानी ने इस फिल्म में सोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जज के बेटे का रोल था वहीं पे

कांतित के डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ कुमार वर्मा प्रोटेस्टिंग मैन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा पराग छापेकर ने इस फिल्म में मेडिकल स्टोर ओनर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सिमरन शर्मा ने फीमेल प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट और कास्टिंग की शुरुआत दो में हो गई थी कुछ इनिशियल रोमर्स आए थे कि ओ माई गोड टू आने वाले जिसमें पहले पार्ट से परेश रावल और अक्षय कुमार अपना रोल रिप्राइज करेंगे लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट से पता चला कि परेश रावल ने इस प्रो, प्रोजेक्ट को करने से डिनाई किया उसके बाद में जून 2021 में सिक्वल के ऊपर ऑफिशियल फाइनली कन्फर्मेशन सुनाई दी गई जहां पे नई स्टोरी लाइन थी स्टेनर लॉन्न सिकवल था जहां पे अक्षय कुमार ने अपना रोल रिप्राइज किया इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को इस फिल्म में उसी महीने में जब अनाउंसमेंट हुई थी उसी महीने में रोप किया गया था उनको इस कहानी के साथ जोड़ा गया था उसके बाद में अरुण गोविल ने काफ़ी लंबे समय के बाद इस फिल्म में प्रिंसिपल के तौर पे नवंबर 2021 में इस कास्ट को ज्वाइन किया हुआ था और एक कम किया हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की जो फिल्मिंग पंकज त्रिपाठी को लेते हुए पहले शेड्यूल में 2 सितंबर 2021 को मुंबई से स्टार्ट की हुई थी अक्षय कुमार ने इस फिल्म के शेड्यूल को पर फिल्म के सेकंड शेड्यूल में आए थे उन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को सेट ज्वाइन किया फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में रखा गया और उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को तैयार करवाया गया एडिटिंग के लिए भेजा गया से। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया गया म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें फिल्म में चार गाने सुनने को मिलेंगे म्यूजिक के राइट्स जी म्यूजिक

जो 27 जुलाई 2023 को जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था और उस गाने को शेखर अस्तित्व और ने लिखा हुआ था विक्रम मंत्र से ने उसका म्यूजिक और सिंगिंग दोनों की हुई थी हो तैयार गाने को गिनी दीवान ने लिखा हुआ था म्यूजिक प्रणय ने दिया हुआ था सिंगर प्रणय और कैलाश खेर थे एक लो चलो करके जो गाना था उसके लिरिक्स संदीप सांडलिया ने लिखे हुए थे म्यूजिक संदेश सांडलिया ने दिया हुआ था और श्रद्धा मिश्रा ने उसको गाया हुआ था तो ये चार गाने थे फिल्म में जिसकी चौदह मिनट छब्बीस सेकंड दो में गानों को रिकॉर्ड किया गया जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गानों को आठ अगस्त दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की पोस्टर के साथ मार्केटिंग की गई थी अक्टूबर 2021 में जब फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माय गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माय गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था अक्षय कुमार स्टारर और सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड यानी ओ एम जी इन दिनों अपने शुक्ल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लॉप के मार झेल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें हैं वहीं बीते दिन अक्षय ने ओ माय गॉड टू की रिलेटेड से पर्दा उठाया था जिसके बाद से फैंस इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं वही अब ओ एम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षय के फैंस का खुश होना लाजमी है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी

भारी मात्रा में सिनेमाघर का रुख करेंगे अक्षय कुमार फिल्म ओ माई गार्ट टू ग्यारह अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है हालांकि इसकी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिड़ंत होने वाली है उसी दिन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और सुनी देवल की गदर टू भी रिलीज होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भसम लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमित पटेल स्टार गदर रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षय कुमार स्टार ओ एम टू और रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज के लिए तैयार है दरअसल अक्षय कुमार टू पिछले तेईस मई को ओ पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय ले लिया है अमित राय ने ओ एम को डायरेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंधविश्वास की दिलचस्प कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में आधारित है मेकर्स ने फिल्म में एडल्ट एजुकेशन के हकीकत को लेकर बातें की है ओ एम के पहले भगवान में अक्षय कुमार भगवान कृष्ण बने थे और परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ट में परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी ने ली है वही अक्षय इस बार भगवान शिव के रोल में नजर आने वाले हैं फिल्म ओ एम में रामायण फेम अरुण गोबिल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में कपूर स्टारर है। है बताया जा रहा कि उज्जैन में ओ एम की शूटिंग का करीब दो हफ्ते का शेड्यूल है। इस दौरान उज्जैन की अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों पर फिल्म के अलग अलग सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन के अन्य मंदिरों और रामघाट पर भी फिल्म की शूटिंग होगी अक्षय संघ पंकज त्रिपाठी भी उज्जैन पहुँचे थे फिल्म ओ एम जी टू को डायरेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अमी गौतम और पंकज त्रिपाठी होंगे कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रामायण फिल्म एक्टर अरुण गोबिल इस फिल्म राम अवतार में नजर आने वाले हैं खबर थी कि अक्षय कुमार खुद अरुण को इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाहते थे और गोबिल ने उनका ऑफर मान लिया अक्षय कुमार की यह फिल्म साल 2012 में आई ओ यानी ओ माई गार्ड का शिकल है उस फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था उनके साथ प्रेस रावल थे जिन्होंने एक नास्तिक व्यक्ति का रोल अदा किया था फ़िल्म दर्शकों को पसंद आई थी अक्षर ने अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो वह राम सेतु पृथ्वीराज बच्चन पांडे रक्षाबंधन अतरंगिरे गोरखा सूर्यवंशी और मिशन सिल्डा में भी काम कर रहे हैं अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माई गार्ड का शिवकला आने वाला है बता दें कि 2012 में ओ माई गार्ड रिलीज हुई थी और दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का रोल किया था फर्स्ट लुक से लगता है कि दूसरे पार्ट में वो भगवान शिव के किरदार में दिखेंगे खिलाड़ी कुमार ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा आ रहे हैं हम आइएगा आप भी ग्यारह अगस्त को थिएटर्स में फिल्म के पहले पोस्टर में अक्षय कुमार लंबी जटाओं और चेहरे में भस्म लगाए देख रहे थे उनके गले में रुद्राज की माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंदाजा लगाया कि ओ एम में महादेव का किरदार निभा रहे हैं खिलाड़ी कुमार यामी गौतम ने फिल्म में फीमेल लीड रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और डेट सोशल मीडिया पर शेयर किया था अक्षय कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था अक्षय कुमार स्टार और सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड यानी ओ एम जी इन दिनों अपने शुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लॉप के मार झेल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं वहीं बीते दिन अक्षय ने ओ माय गॉड टू के रिलेटेड से पर्दा उठाया था जिसके बाद से फैंस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं वही अब ओ एम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षय के फैंस का खुश होना लाजमी है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी के

मात्रा में सिनेमाघर का रुख करेंगे अक्षय कुमार फिल्म ओ माई गार्ड टू ग्यारह गया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था अक्षय कुमार स्टारर और सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड यानी ओ एम जी इन दिनों अपने शोकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लॉप के मार झेल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं वहीं बीते दिन अक्षय ने ओ माय गॉड टू की रिलेटेड से पर्दा उठाया था जिसके बाद से फैंस इस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं वही अब ओ एम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षय के फैंस का खुश होना लाजमी है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी

भारी मात्रा में सिनेमाघर का रुख करेंगे अक्षय कुमार फिल्म ओ माई गार्ड टू ग्यारह अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है हालांकि इसकी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिड़ंत होने वाली है उसी दिन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और सनी देवल की गदर टू भी रिलीज़ होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव की अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भस्म लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमिता पटेल स्टारर गदर टू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षय कुमार स्टारर ओ एम जी टू और रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज के लिए तैयार है दरअसल अक्षय कुमार स्टारर ओ एम जी टू पिछले तेईस मई को ओ टी टी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय ले लिया है अमित राय ने ओ एम जी टू को डायरेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंधविश्वास की दिलचस्प कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में शिक्षा प्रणाली

अगस्त को रिलीज होगी। इसके अलावा सनी तेईस अक्टूबर दो अक्टूबर 2021 को सेट ज्वाइन किया फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर दो में रखा गया और उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को तैयार करवाया गया एडिटिंग के लिए भेजा गया से। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया गया

deu. जो सत्ताइस जुलाई को हजार तेईस कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था और उस गाने को शेखर और को गिनी ने लिखा हुआ था म्यूजिक प्रणय ने दिया हुआ था सिंगर प्रणय और कैलाश खेर थे चलो लेकिन उसमें इस बार सेक्स एजुकेशन को दिखाया गया था इंडियन स्कूल में सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक कटाक्ष में एक सटोरिकल वे में चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई थी जहां पे कॉमेडी और ड्रामा का तड़का भी लगाया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें अमित राय ने की हुई थी जो इस फिल्म के साथ डायरेक्टर में करीबन दस बारह साल के बाद कम करते हुए नजर आए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था विपुल साह रूना भाटिया राजेश बहल और अश्विन वाडे और इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्मीन स्टूडियो और वाकाउ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वाइकोमेटीन स्टूडियो वालों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक हाई बजट काइंड ऑफ फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी दो चौधरी ने की हुई थी एडिटिंग है वो सुवीर नाथ ने की हुई थी जिन्होंने 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे 35 मिनट लंबी यह फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्त्र से हंसराज रघुवंशी डी स्ट्रिंग और प्रणय और सा, संदीप सान्दलिया ने काम किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स थे वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार लोड सिवा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनके मैसेंजर का रोल वहीं पर पंकज त्रिपाठी ने कांति सर मुडगल का रोल प्ले किया हुआ यामि गौतम कामिनी माहेश्वरी के रोल में दिखाई देंगी पवन मल्होत्रा ने जज पुरुषोत्तम नागर का रोल प्ले किया हुआ गोविंद नामदेव आपको पुजारी के रोल में दिखाई दे अरुण गोविल ने प्रिंसिपल अटलनाथ माहेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म में ब्रिजेंद्र काला देखने को मिलते है जो डॉक्टर गगन मालवीय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अरुण वर्मा ने विवेक का रोल प्ले किया हुआ है अरुण वर्मा इस फिल्म में कांती लाल के बेटे का रोल प्ले करते कांती शरण के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे गीता अग्रवाल ने इंदुमती कांती शरण मोडल का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत कुमार चौधरी इस फिल्म में नागदेव सर के रोल में दिखाई देंगे विजय मिश्रा ने एडवोकेट अजय बुंदेला का रोल प्ले किया हुआ है सितिश पवार ने इसमें हवलदार लालचंद का रोल प्ले किया हुआ है यश भोजवानी ने इस फिल्म में अनूप का रोल प्ले किया हुआ है श्रुति गोपा गोलाप ने इस फिल्म में मुक्ता मैम का रोल प्ले किया हुआ है राजीव कचरू ने इस फिल्म में सुनील डी कोस्टा का रोल प्ले किया हुआ था वेदिका नवानी ने इस फिल्म में सोफी का रोल प्ले किया हुआ है भावेश बबानी ने इस फिल्म में सोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जज नागर के बेटे का रोल था वहीं पे इस फिल्म में बिना मेहता देखने को मिलेगी जो चंदू की मां का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी करण आनंद ने इस फिल्म में प्रफुल महेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति तिवारी ने पांडे जी के डॉटर इन लो का रोल प्ले किया हुआ वहीं है वहीं पे आश्रय मिश्रा ने इस फिल्म में पांडे जी के ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा एचओ चक्रवर्ती इस फिल्म में आपको डिफेंडर एडवोकेट के रोल में दिखाई देंगे प्रताप वर्मा ने मौलवी का रोल प्ले किया हुआ है नम्रता कपूर ने मोना के माध माँ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत सोनी ने मिडल एज मैन का रोल प्ले किया हुआ है मनोज दत्त ने इस फिल्म कांतिट के डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ शिव कुमार वर्मा प्रोटेस्टिंग मैन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा पराग छापे ने इस फिल्म में मेडिकल स्टोर ओनर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सिमरन शर्मा ने फीमेल प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ जिस फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट और कास्टिंग की शुरुआत 2021 में हो गई थी कुछ इन श्रोमर्स आए थे कि ओ माय गोड टू आने वाले जिसमें पहले पार्ट से परेश रावल और अक्षय कुमार अपना रोल रिप्लाइस करेंगे लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट से पता चला कि परेश रावल ने ये प्रो इस प्रोजेक्ट को करने से डिनाई किया उसके बाद में जून 2021 में सिकवल के ऊपर ऑफिशियल फाइनली कन्फर्मेशन सुनाई दी गई जहां पे नई स्टोरी लाइन थी स्टेनर लॉन्न सिकवल था जहां पे अक्षय कुमार ने अपना रोल रिप्राइज़ किया इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को इस फिल्म में उसी महीने में जब अनाउंसमेंट हुई थी उसी महीने में रोप किया गया था उनको इस कहानी के साथ जोड़ा गया था उसके बाद में अरुण गोविल ने काफ़ी लंबे समय के बाद इस फिल्म में प्रिंसिपल के तौर पे नवंबर 2021 में इस कास्ट को ज्वाइन किया हुआ था और एक कम किया हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की जो फिल्मिंग पंकज त्रिपाठी को लेते हुए पहले शेड्यूल में 2 सितंबर 2021 को मुंबई से स्टार्ट की हुई थी अक्षय कुमार ने इस फिल्म के शेड्यूल को फिल्म के सेकंड शेड्यूल में आए थे उन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को सेट ज्वाइन किया फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में रखा गया और उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को तैयार करवाया गया एडिटिंग के लिए भेजा गया से उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया और रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर फिल्म में चार गाने सुनने को मिलेंगे म्यूजिक म्यूजिक के राइट्स जी कंपनी ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे इसके अलावा 2022 में गानों को रिकॉर्ड किया था 2023 में गानों को रिलीज किया गया था चौदह मिनट छब्बीस सेकंड का साउंड ट्रैक था पहला गाना ऊँची ऊंची वादी जिसको अठारह जुलाई दो को रिलीज किया गया था जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा जिसके लिरिक्स कबीर शुक्ला हंसराज रघुवंशी और डीजे स्ट्रिंग्स ने लिखे हुए थे म्यूजिक डीजे स्ट्रिंग का था और हंसराज रघुवंशी ने उसको गाया हुआ था सेकंड सिंगल जिसका टाइटल था हर हर देव जो 27 जुलाई 2023 को जीम्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था और उस गाने को शेखर अस्तित्व और ने लिखा हुआ था विक्रम से ने उसका म्यूजिक और सिंगिंग उसके लिरिक्स संदेश सांडलिया ने लिखे हुए थे म्यूजिक संदेश सांडलिया ने दिया हुआ था और श्रद्धा मिश्रा ने उसको गाया हुआ था ये चार गाने थे फिल्म में जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट छब्बीस सेकंड दो में गानों को रिकॉर्ड किया गया जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी को आठ अगस्त दो हजार तेईस को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल किया हुआ था मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की पोस्टर के साथ मार्केटिंग की गई थी अक्टूबर 2021 में जब अनाउंसमेंट हुई थी तब लॉर्ड शिवा के अवतार में अक्षय कुमार का किरदार देखने को मिला था और उस पोस्टर को लॉन्च किया था जिसके चलते अच्छा बस क्रिएट हुआ था टीजर था वो ग्यारह जुलाई दो को प्रीमियर कर रिलीज करवाया गया उससे भी एक अच्छा पॉजिटिव वाई बी फिल्म का ट्रेलर था उसको तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया जिसको ये सर्टिफिकेट मिला और ट्रेलर था उसमें काफी कट्स लगाए गए थे काफी सारे चेंजेस किए गए थे जहाँ पे अक्षय कुमार जो लॉर्ड शिवा का रोल प्ले कर रहे थे उसके के बाद में वो किरदार चेंज करते हुए उसके डीओटी का रोल प्ले करते हुए वो नजर आए उनके मैसेंजर के तौर पे और करीबन 25 से 30 मॉडिफिकेशन और कट्स के साथ चीजों को रिलीज किया गया था ये सर्टिफिकेट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे इस फिल्म में कांति सरन मुर्गल जिसका रोल प्ले करे पंकज त्रिपाठी वो एक पूजा सामग्री की एक दुकान चलाते छोटी सी जहाँ पे वो लोड शिवा यानी कि शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त है उनके दो बेटे एक का नाम है विवेक जो आरुष सर वर्मा वो रोल प्ले कर रहे दो बच्चों में से आरुष वर्मा का रोल है वो विवेक का है जो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है स्कूल टॉयलेट में उसका मास्टर बेडिंग का वीडियो होता है वो कोई रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो उतार लेता है और उसको सोशल मीडिया में डाल देता है जो वायरल हो जाता है उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आने लगते हैं उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट इस इनडिसेंट बिहेवियर के चलते उनको रेस्टिकेट कर देते और बाद में कांति मुर्गल अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है कुछ अलग प्लेस पे चला जाता है जब वो वहाँ पे जाता है तब वो, वो लोड सिवा के मैसेंजर से मिलता है जो रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे और वो भगवान के मैसेंजर कांति शरण मुर्गल को समझाते हैं कि जो उसके बेटे ने किया वो उसकी गलती नहीं थी उन्होंने उनको एडवाइस दी कि वो अपने बेटे के लिए लड़ाई करे फाइट करे तो अब आगे कांति किस तरह से कैसे चीज़ों को हैंडल करता है और उन सभी चीज़ों को हैंडल करते समय उसको क्या दिक्कतें आती है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के डायरेक्टर वो इस फिल्म के राइटर भी है सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो मास्टर बेटिंग के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हुई थी जो टॉपिक पकड़ा हुआ था वो पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा सेंसेटिव टॉपिक था उसमें उन्होंने साथ ही में लोड सेवा का कौन से भी ऐड किया था हाँ लेटर ऑन बाद में सेंसर बोर्ड की तरफ से चीज़ें चेंज करवाई गई थी लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ें डिस्कस की गई हुई एजुकेशन जिस तरह से स्कूल में मिल रहा है उसके ऊपर जो सभी चीज़ें दिखाने की उन्होंने कोशिश की है वो पूरी तरह से डिफरेंट था रिसेंट टाइम में ये सभी चीज़ें आपको शायद छतरी वाला वाली फिल्म करके एक फिल्म आई थी उसमें भी देखने को मिली होगी जिसमें रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में थी तो उस फिल्म फिल्म में भी कुछ इसी टाइप का इश्यू था और सेम इश्यू इस फिल्म में भी डाला गया है जहाँ पे इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को एक सॉलिड ह्यूमर के साथ कुछ क्लिप पर थी ड्राइलॉग भी सेट किए हुए हैं स्पलेंडिड परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है और कुछ ऐसे कई सीन्स है जिसमें आप जरूर इस फिल्म में पेट पकड़ के हंसने वाले हो तो ऐसे कुछ सीनों के साथ इस सभी चीज़ों के साथ ह्यूमर के साथ इस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की हुई है अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है स्क्रीन प्रेजेंस उनका कम था लेकिन जब भी स्क्रीनस पे आते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाते हैं और इसके अलावा उनका जो इम्पेक्ट रहता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो छोड़ के जाते उनके वो पावरफुल इम्पेक्ट की वजह से आप ओ माय गॉड टू में एक अलग ही फील महसूस करोगे उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी अपनी एक्टिंग में जिस स्टूडियोज और वकाओ फिल्म्स ये वितरित की गई है वाकाम एटीन स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हजार ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामी गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी दो में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और प्रेस रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ के, के शुक्ल की अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोविल नवंबर दो में भगवान राम के में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माई गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माई गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में प्रेस रावल ने निभाई थी जबकि अच्छे भगवान कृष्ण के रूप में अपनी पिछली भूमिका ही निभाएंगे फिल्म की कहानी परीक्षा दबाव और कॉलेज प्रवेश जैसे विषयों जैसे मुद्दों को भी उजागर करेगी अमित राय के निर्देशन में बन रही ओ ओमाई गार्ड टू की शूटिंग अगले कुछ दिनों तक पंकज अकेले ही करेंगे इसके कुछ दिन बाद यामी गौतम फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम के साथ जुड़ेंगी वही अक्षय कुमार फिल्म की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे अक्षय ने ओ माई गार्ड टू में अपने किरदार भगवान कृष्ण की शूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ पंद्रह से बीस दिन ही दिए हैं ओ ओमाई गार्ड टू को अश्विन वर्दे और अक्षय कुमार साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं बता दें कि दो

करता करे ना करे शो करे शो हो ओ एम की फिल्म एनिमल और सनी देवल की गदर टू भी रिलीज़ होगी वही ओ एम जी टू की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम जी टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भस्म लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर टू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षय कुमार स्टारर ओ एम जी टू और रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज के लिए तैयार है दरअसल अक्षय कुमार स्टार ओ एम जी टू पिछले तेईस मई को ओ टी टी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय ले लिया है अमित राय ने ओ एम जी टू को डायरेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंधविश्वास की दिलचस्प कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में आधारित है ने फिल्म में एडल्ट एजुकेशन के हकीकत को लेकर बातें की है -2 के पहले भगवान, भगवान शिव के रोल में, में, में नजर आने वाले हैं फिल्म ओ एम में रामायण फेम अरुण गोबिल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में हैं रणबीर कपूर स्टारर एनिमल भी बॉक्स ऑफिस पर 8 अगस्त को रिलीज होगी इसके अलावा सनी देओल स्टारर गदर 2 और अक्षय कुमार स्टारर ओएमजी 2 भी 11 अगस्त को थिएटर में ही रिलीज होने वाली है इन तीनों स्टार की फिल्में एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी ओएमजी 2 एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा के व्यंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह ओ का अत्याधुनिक शुकल है और इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामि गौतम अरुण गोबिल और आमिर नाइक हैं। यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपुल ढिसा राजेश बहल और अशुन वर्दे के द्वारा इसके उत्पादन कंपनियां हैं कैप ऑफ गुड फिल्म वाइकाम एटीन स्टूडियोज और वकाओ फिल्म यह वितरित की गई है वाईकॉम एटीन स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज़ की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हज़ार भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामी गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि जनवरी दो हजार इक्कीस में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ के जी के अंत की था। कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोविल नवंबर दो में भगवान राम के रूम में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माय गॉड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माय गॉड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में रावल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था अक्षय कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था अक्षय कुमार स्टारर और सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड यानी ओ एम जी इन दिनों अपने शुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लॉप के मार झेल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें हैं वही बीते दिन अक्षय ने ओ माय गॉड टू की रिलेटेड से पर्दा उठाया था जिसके बाद से फैंस इस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं वही अब ओ एम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षय के फैंस का खुश होना लाजमी है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी को

भारी मात्रा में सिनेमाघर का रुख करेंगे अक्षय कुमार फिल्म ओ माई टू ग्यारह अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है हालांकि इसकी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिड़ंत होने वाली है उसी दिन रणबीर कपूर की फिल्म निम्ल और सनी देवल की गजा टू भी रिलीज होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओएम जी का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म ग्यारह अगस्त को थी थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान सिंह के अवतार में रिलीज होने वाली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार ग

लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ें डिस्कस की गई हुई एजुकेशन जिस तरह से स्कूल में मिल रहा है उसके ऊपर जो सभी चीज़ें दिखाने की उन्होंने कोशिश की है वो पूरी तरह से डिफरेंट था रिसेंट टाइम में ये सभी चीज़ें आपको शायद छतरी वाला वाली फिल्म करके एक फिल्म आई थी उसमें भी देखने को मिली होगी जिसमें रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में थी तो उस फिल्म फिल्म में भी कुछ इसी टाइप का इश्यू था और सेम इशू इस फिल्म में भी डाला गया है जहाँ पे इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को एक सॉलिड ह्यूमर के साथ कुछ क्लिपरती ड्रायलॉग भी सेट किए हुए स्प्लेंडिड स्पलेंडिड परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है और कुछ ऐसे कई सीन्स है जिसमें आप ज़रूर इस फिल्म में पेट पकड़ के हंसने वाले हो तो ऐसे कुछ सीनों के साथ इस सभी चीज़ों के साथ ह्यूमर के साथ इस इस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की हुई है अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है स्क्रीन प्रेजेंस उनका कम था लेकिन जब भी स्क्रीनस पे आते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाते हैं और इसके अलावा उनका जो इम्पेक्ट रहता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो छोड़ के जाते उनके वो पावरफुल इम्पेक्ट की वजह से आप ओ माई गोड टू में एक अलग ही फील महसूस करोगे उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी अपनी एक्टिंग में जिस तरह से उन्होंने एक टच दिया हुआ इस अपनी एक्टिंग के साथ इस किरदार में वो बढ़िया था पंकज त्रिपाठी वो पूरी फिल्म में काफ़ी लंबे स्क्रीन प्रेजेंस में देखने को मिलते हैं और उनका वो स्क्रीन प्रेजेंस उनके वो बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी टाइमिंग डायलॉग डिलीवरी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी कॉमेडी टाइमिंग उनकी इम्पेकेबल थी जिस तरह से कोर्ट सीन्स क्रिएट किए गए थे उनके रिगार्डिंग वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे यामी गौतम एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आती है एक्सपर्ट लॉयर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है और वर्मा इस फिल्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं जिस तरह से कोटर प्रोसीडिंग होते हैं उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डायरेक्टर ने क्राफ्ट किया हुआ था जहाँ पे जिस तरह से सेक्स वर्कर के साथ जो सीक्वेंस क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें बढ़िया थी और ओवरऑल जिस तरह से इन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई थी मेकर्स उसमें कामयाब रहे पवन मल्होत्रा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जज के रोल में काम किया हुआ है माइनस पॉइंट की बात करें तो अक्षय कुमार का रोल काफ़ी इम्पेक्टफुल था लेकिन जिस इस तरह से उनका स्क्रीन टाइम था उससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं कम था थोड़ा ज़्यादा ही कम था पहले हाफ़ में तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते एक आध क्लिप में फ्यू मिनट्स के लिए सेकंड हाफ़ में उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत सीन्स में देखने को मिलेंगे फिल्म की स्पेस थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है कुछ सीन्स में आपको इसके अलावा एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिल्म को लंबी कर रही थी तो उसको जॉप ऑफ किया जा सकता था जिस वजह से चीज़ें और इंजॉयबल हो पाती

इस फिल्म में जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्शन के तौर पे कुछ सब सप्लॉट देखने को मिलते हैं उसको भी हटा दिया जा सकता था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम किया हुआ है हर हर महादेव गाना है वो भी काफ़ी बढ़िया है रघुवंशी के द्वारा जो गाना क्रिएट किया गया ऊँची ऊँची वादी वो भी आपको पसंद आएगा उन सभी गानों को ये फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी स्टूपेडियस है वो काफ़ी बढ़िया सुपेन्डियस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है इस फिल्म में मेजोरिटी कोटरम सीन्स देखने को मिलते हैं आर्ट डायरेक्शन वहाँ पे काफ़ी बढ़िया नजर आता है उन्होंने काफी परफेक्टली काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आती है डायरेक्टर अमित राय जो इस फिल्म के साथ एक अच्छा अलग लेके आए हुए सॉलिड मैसेज सोसाइटी को डिलीवर करने की कोशिश करते और इसके अलावा इस फिल्म के साथ उन्होंने एक अच्छा अटैम्प किया हुआ था इसके साथ ही में जिस तरह से इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें जो काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश किए हुए वो काफी बढ़िया है तो ओवरऑल एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे जिस तरह से सेक्स एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके के ऊपर जो उन्होंने एक कटाक्ष किए हुए है उसी के साथ में उसमें कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए जिस तरह से फिल्म को पेश किया हुआ वो बढ़िया है फिल्म का कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बोल्ड कंटेंट था पावर पेक परफॉर्मेंसिस के साथ वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है और भी ज़्यादा जहाँ पे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी त्रिपाठियामी गौतम फिल्म को काफ़ी बढ़िया लेवल पर ले जाते हैं म्यूजिक अच्छे गाने अच्छे तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और माई गोड टू फिल्म को थिएटर में हिंदी वर्जन में ही रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को Uh, एक सौ पचास पचपन मिनट के रन टाइम के साथ ए सर्टिफिकेट के साथ ग्यारह अगस्त दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला एम डी पे करीबन पंद्रह हज़ार वोट मिले जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से पहले दिन इस फिल्म ने गदर टू के भारी भरकम बस के सामने एक अच्छा कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे फ्राइडे के दिन दस करोड़ छब्बीस लाख का नेट कलेक्शन निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का कलेक्शन पचास परसेंट बढ़ा गया जहाँ पे सैटरडे के दिन करीबन फिल्म ने पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने और पंद्रह परसेंट कलेक्शन बढ़ाया सेटरडे के मुकाबले जहां पे सत्रह करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन हुआ और फिल्म का वीकेंड करीबन तिरतालीस करोड़ ग्यारह लाख का इंडिया से निकल के आया वहीं पर मंडे के दिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले एक टेस्टिंग डे होता है कि फ्राइडे के मुकाबले करीबन फिफ्टी टू सिक्सटी अगर कलेक्शन आ जाए तो फिल्म अच्छा रन कर सकती है लेकिन इस फिल्म ने तो चमत्कार ही किया जहाँ पे पहले दिन दस करोड़ का कलेक्शन था तो इस फिल्म में मंडे के दिन यानी कि चौथे दिन बारह करोड़ छह लाख का कलेक्शन किया ज के ऊपर ये फिल्म बढ़िया वर्क कर रही है जहाँ पे इस फिल्म ने इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर भी एक अच्छे खासे ओपनिंग हासिल की एक अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया हुआ है इस फिल्म ने चार दिनों के अंदर करीबन पचपन करोड़ सत्रह लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया और पैंसठ करोड़ अड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था वहीं पर ओवरसीज से जो ग्रोस कलेक्शन था वो ग्यारह करोड़ तीन लाख का निकल के आया जिसके चलते इस फिल्म ने छिहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख का कलेक्शन इंडिया और ओवरसीज से दोनों को मिला के वर्ल्ड वाइड लेवल पे चार दिनों के सॉरी तीन दिनों के अंदर चार दिनों के अंदर करके दिखाया हुआ है ओ ओमाई गोड टू फिल्म की ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ टी टी राइट है वो जियो सिनेमा के पास है मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि कुछ सोर्सेज से पता चला है उनके पास है वहीं पे जो सेटेलाइट राइट्स से है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है तो ओ एम जी टू फिल्म आपको आने वाले कुछ महीनों के बाद जियो सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी हिंदी के साथ हो सकता है मल्टीपल लैंग्वेज में वो इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं वहीं पर ओ टी टी रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को आप सेटेलाइट चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओ एम टू फिल्म है वो आपको आने वाले कुछ महीनों में जियो सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी वहाँ पे इस फिल्म का ब्रथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर पाओगे विदाउट सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन में से इसके अलावा सेटेलाइट प्रीमियर कलरप्लेक्ट टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा तो इस तरह से ओ एम फिल्म आप ओ और सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आने वाले समय में देख सकते हो

जो 2023 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है ये फिल्म 2012 की फिल्म ओ ओमाई गोड का सीख वाले 2012 की ओ माई की ओमाई गोड के बारे में बातचीत करें तो एक सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे एक गुजराती प्ले था कांजी विरुद्ध कांजी उससे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी हालांकि वो प्ले है वो भी बिल्ली कॉनली के द्वारा द मैन वो स्यूड गोड करके जो एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी उससे इंस्पायर होकर उन्होंने कांजी विरुद्ध कांजी बनाई उससे इंस्पायर होकर ओ ओमाई गोड फिल्म हिंदी वर्जन में बनी हुई थी जिसके लीड रोल में अक्षय कुमार परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती थे इसके अलावा ओम पुरी गोविंद नामदेव पूनम झावर पूजा गुप्ता और महेश मंजरेकर जैसे एक्टर्स पावटल रोल में देखने को मिले थे तो ये सभी लोग फिल्म के साथ जुड़े हुए थे जहाँ पे इन इन लोगों ने इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ था साठ करोड़ में बनी उस फिल्म ने 2012 में एक सौ करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके कुछ सालों के बाद इसको रिलीज होगी इसके अलावा सनी देवल स्टारर गदर टू और अक्षय कुमार स्टार ओ एम टू भी 11 अगस्त को थिएटर में ही रिलीज होने वाली है इन तीनों स्टार की फिल्में एक दूसरे हुए ओ एम जी टू के लिए आपकी दुआओं और शुभकामनाओं की जरूरत है यह एक जरूरी सोशल मैसेज देने वाली हमारी नम्र और ईमानदार कोशिश है आदि योगी की ऊर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महादेव ओ एम जी टू के लिए अक्षय कुमार उज्जैन गए हुए हैं तेईस अक्टूबर को अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ उज्जैन पहुंचे यहां उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा अक्षय कुमार की इस फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग महाकाल मंदिर में होनी है बताया जा रहा है कि उज्जैन में ओ एम की शूटिंग का करीब दो हफ्ते का शेड्यूल है इस दौरान उज्जैन की अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों पर फिल्म के अलग अलग सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन के अन्य मंदिरों और रामघाट पर भी फिल्म की शूटिंग होगी अक्षय संघ पंकज त्रिपाठी भी उज्जैन पहुंचे थे फिल्म ओ एम जी टू को डायरेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमी गौतम और पंकज त्रिपाठी होंगे कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रामायण फिल्म एक्टर अरुण गोबिल इस फिल्म राम अवतार में नज़र आने वाले हैं खबर थी कि अक्षय कुमार खुद अरुण को इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाहते थे और गोबिल ने उनका ऑफर मान लिया अक्षय कुमार की ये फिल्म साल 2012 में आई ओ एम जी यानी ओ माई गार्ड का शिकल है उस फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था उनके साथ प्रेस रावल थे जिन्होंने एक नास्तिक व्यक्ति का रोल अदा किया था फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी अक्षय ने अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो वह राम सेतु पृथ्वीराज बच्चन पांडे रक्षाबंधन अतरंगिरे गोरखा सूर्यवंशी और मिशन में भी काम कर रहे हैं अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माई गार्ड का शिवकल आने वाला है बता दें कि 2012 में ओ माई गार्ड रिलीज हुई थी और दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का रोल किया था फर्स्ट लुक से लगता है कि दूसरे पार्ट में वो भगवान शिव के किरदार में दिखेंगे खिलाड़ी कुमार ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा आ रहे हैं हम आइएगा आप भी ग्यारह अगस्त को थिएटर्स में फिल्म के पहले पोस्टर में अक्षय कुमार लंबी जटाओ और चेहरे में भस्म लगाए दिख रहे थे उनके गले में रुद्राज की माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंदाजा लगाया कि ओ एम जी में महादेव का किरदार निभा रहे हैं खिलाड़ी कुमार यामी गौतम ने फिल्म में फीमेल लीड रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सोशल मीडिया पर शेयर किया था अक्षय कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार पार्टी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार तेईस अक्टूबर दो को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर दो में शुरू हुआ भगवान शिव के रूम में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माय गॉड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माय गॉड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड यानी ओ माय गॉड का शुकल है उस फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था उनके साथ परेश रावल थे जिन्होंने एक नास्तिक व्यक्ति का रोल अदा किया था फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी अक्षय ने अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो वह राम सेतु पृथ्वीराज बच्चन पांडे रक्षाबंधन अतरंगरे गोरखा सूर्यवंशी और मिशन में भी काम कर रहे हैं अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माई गार्ड का शिव आने वाला है बता दें कि 2012 में ओ माई गार्ड रिलीज हुई थी और दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का रोल किया था फर्स्ट लुक से लगता है कि दूसरे पार्ट में वो भगवान शिव के किरदार में दिखेंगे खिलाड़ी कुमार ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा आ रहे हैं हम आइएगा आप भी ग्यारह अगस्त को थिएटर्स में फिल्म के पहले पोस्टर में अक्षय कुमार लंबी जटाव और चेहरे में भस्म लगाए दिख रहे थे उनके गले में की माला है और दाएं हाथ में डमरू को तो मिलेगी जो चंदू की मां का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे करण आनंद ने इस फिल्म में प्रफुल महेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति तिवारी ने पांडे जी के डॉटर इन लो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आश्रय मिश्रा ने इस फिल्म में पांडे जी के ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा एच ओ चक्रवर्ती इस फिल्म में आपको डिफेंडर एडवोकेट के रोल में दिखाई देंगे प्रताप वर्मा ने मौलवी का रोल प्ले किया हुआ है नमरा ता कपूर ने मोना के मध्य माँ का रोल प्ले किया है हेमंत सोनी ने मिडल एज मैन का रोल प्ले किया हुआ मनोज दत्त ने इस फिल्म में कांति के डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ शिव कुमार वर्मा प्रोटेस्टिंग मैन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा पराग छापे करने इस फिल्म में मेडिकल स्टोर ओनर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सिमरन शर्मा ने फीमेल प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट और कास्टिंग की शुरुआत दो में हो गई थी कुछ इनिशियल रोमर्स आए थे कि ओ माई गुट टू आने वाले जिसमें पहले पार्ट से परेश रावल और अक्षय कुमार अपना रोल रिप्राइज करेंगे लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट से पता चला कि परेश रावल ने ये प्रो इस प्रोजेक्ट को करने से डिनाई किया उसके बाद में जून 2021 में सीक्वल के ऊपर ऑफिशियल फाइनली कन्फर्मेशन सुनाई दी गई जहां पे नई स्टोरी लाइन थी स्टेनल ऑन सिकवल था जहां पे अक्षय कुमार ने अपना रोल रिप्लाइस किया इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को इस फिल्म में उसी महीने में जब अनाउंसमेंट हुई थी उसी महीने में रोप किया गया था उनको इस कहानी के साथ जोड़ा गया था उसके बाद में अरुण गोविल ने काफी लंबे समय के बाद इस फिल्म में प्रिंस उसके ऊपर जो सभी चीज़ें दिखाने की उन्होंने कोशिश की है वो पूरी तरह से डिफरेंट था रिसेंट टाइम में ये सभी चीज़ें आपको शायद छतरी वाला वाली फिल्म करके एक फिल्म आई थी उसमें भी देखने को मिली होगी जिसमें रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में थी तो उस फिल्म फिल्म में भी कुछ इसी टाइप का इश्यू था और सेम इशू इस फिल्म में भी डाला गया है जहाँ पे इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को एक सॉलिड ह्यूमर के साथ कुछ क्लेपर थी ड्रायलॉग भी सेट किए हुए स्प्लेंडिड परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है और कुछ ऐसे कई सीन्स है जिसमें आप ज़रूर इस फिल्म में पेट पकड़ के हंसने वाले हो तो ऐसे कुछ सीनों के साथ इस सभी चीज़ों के साथ ह्यूमर के साथ इस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की हुई है अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है स्क्रीन प्रेजेंस उनका कम था लेकिन जब भी स्क्रीनस पे आते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रेस कर जाते और इसके अलावा उनका जो इम्पेक्ट रहता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो छोड़ के जाते उनके वो पावरफुल इम्पेक्ट की वजह से आप ओ माय गॉड टू में एक अलग ही फील महसूस करोगे उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी अपनी एक्टिंग में जिस तरह से उन्होंने एक टच दिया हुआ इस अपनिंग एक्टिंग के साथ इस किरदार में वो बढ़िया था पंकज त्रिपाठी वो पूरी फिल्म में काफ़ी लंबे स्क्रीन प्रेजेंस में देखने को मिलते हैं और उनका वो स्क्रीन प्रेजेंस उनकी वो बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी टाइमिंग डायलॉग डिलीवरी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी कॉमेडी टाइमिंग उनकी इम्पेकेबल थी जिस तरह से कोर्ट सीन्स क्रिएट किए गए थे उनके रिगार्डिंग वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे यामी गौतम एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आती है एक्सपर्ट लॉयर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है आरुष वर्मा इस फिल्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं जिस तरह से रूम प्रोसेडिंग होते हैं उन सभी चीजों को चीज़ों को अच्छी तरह से डायरेक्टर ने क्राफ्ट किया हुआ था जहाँ पे जिस तरह से सेक्स वर्कर के साथ जो सीक्वेंस क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें बढ़िया थी और ओवरऑल जिस तरह से इन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई थी मेकरस उसमें कामयाब रहे पवन मल्होत्रा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जहज के रोल में काम किया हुआ है माइनस पॉइंट की बात करें तो अक्षय कुमार का रोल काफ़ी इम्पेक्टफुल था लेकिन जिस तरह से उनका स्क्रीन टाइम था उससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। कम था थोड़ा ज़्यादा ही कम था पहले हाफ़ में तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते एक आध क्लिप में फ्यू मिनट्स के लिए सेकंड हाफ में उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत सीन्स में देखने को मिलेंगे फिल्म की स्पेस थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है कुछ सीन्स में आपको इसके अलावा एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिल्म को लंबी कर रही थी तो उसको जॉप किया जा सकता था जिस वजह से चीज़ें और इन्जॉयबल हो पाती और इस फिल्म में जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्शन के तौर पे कुछ सब सप्लोट देखने को मिलते हैं उसको भी हटा दिया जा सकता था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम किया हुआ है हर हर महादेव गाना है वो भी काफ़ी बढ़िया है रघुवंशी के द्वारा जो गाना क्रिएट किया गया ऊँची ऊँची वादे वो भी आपको पसंद आएगा उन सभी गानों को ये फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी स्टुपेडियस है वो काफ़ी बढ़िया सुपेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है इस फिल्म में मेजोरिटी कॉटरम सीन्स देखने को मिलते हैं आर्ट डायरेक्शन वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उन्होंने काफी परफेक्टली काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आती है डायरेक्टर अमित राय जो इस फिल्म के साथ एक अच्छा अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हुए सॉलिड मैसेज सोसाइटी को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा इस फिल्म के साथ उन्होंने एक अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ था इसके साथ ही में जिस तरह से इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश किए हुए वो काफ़ी बढ़िया है तो ओवरऑल एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे जिस तरह से सेक्स से एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर जो उन्होंने एक कटाक्ष किए हुए है उसी के साथ में उसमें कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों को एड करते हुए जिस तरह से फिल्म को पेश किया है वो बढ़िया है फिल्म का कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बोल्ड कंटेंट था पावर पेक परफॉर्मेंसिस के साथ वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है और भी ज़्यादा जहाँ पे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामी गौतम फिल्म को काफ़ी बढ़िया लेवल पे ले जाते हैं म्यूज़िक अच्छे गाने अच्छे तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है ओमाई गोड टू फिल्म को थिएटर है इस लुक से फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि ओ एम जी टू में महादेव का किरदार निभा रहे हैं खिलाड़ी कुमार यामि गौतम ने फिल्म में फीमेल लीड रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सोशल मीडिया पर शेयर किया था अक्षय कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था अक्षय कुमार स्टारर और सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड यानी ओ एम जी इन दिनों अपने शोकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लॉप के मार झेल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें हैं वहीं बीते दिन अक्षय ने ओ माय गॉड टू की रिलेटेड से पर्दा उठाया था जिसके बाद से फैंस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं वहीं अब ओ एम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षय के फैंस का खुश होना लाजमी है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी

पर कड़ी देंगी। -2 एक आगामी हिंदी की कॉमेडी फिल्म है, जो अमित राय तो निर्देशित है।, का है और इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामी गौतम अरुण गोबिल और आमिर नाईक है यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपिल ढीसा राजेश बहल और अशुन वर्दे के द्वारा इसकी उत्पादन कंपनियां हैं कैप ऑफ गुड फिल्म वाइकाम एटीन स्टूडियोज और वकाओ फिल्म यह वितरित की गई है वायकाम एटीन स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हजार भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामि गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी दो बने में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और प्रेस रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ एम जी के शुक्ल की अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोबिल नवंबर दो में भगवान राम के में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भगवान शिव के रूम में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माई गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माई गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ट होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में प्रेस

है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपिल बहल और राजेशन कंपनिया यह वितरित की गई है वायकाम एटीन स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हजार भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूम में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामी गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि जनवरी दो हजार इक्कीस में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ के शुक्ल की अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोविल नवंबर दो में भगवान राम के रूम में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माय गॉड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माय गॉड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकजल के तौर पर नवंबर दो में इस कास्ट को ज्वाइन किया हुआ था और एक कम किया हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की जो फिल्मिंग और पंकज त्रिपाठी को लेते हुए पहले शेड्यूल में 2 सितंबर 2021 को मुंबई से स्टार्ट की हुई थी अक्षय कुमार ने इस फिल्म के शेड्यूल को फिल्म के सेकंड शेड्यूल में आए थे उन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को सेट ज्वाइन किया फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में रखा गया और उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को तैयार करवाया गया एडिटिंग के लिए भेजा गया से उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया गया म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें फिल्म में चार गाने सुनने को मिलेंगे म्यूजिक के राइट्स जी म्यूजिक कंपनी ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। इसके अलावा 2022 में गानों को रिलीज किया गया था जी म्यूजिक के द्वारा जिसके लिरिक्स कबीर शुक्ला हंसराज रघुवंशी और डीजे स्ट्रिंग्स ने लिखे हुए थे म्यूजिक डीजे स्ट्रिंग का था और हंसराज रघुवंशी ने उसको गाया हुआ था सिंगल जिसका टाइटल था हर हर महादेव जो सत्ताईस जुलाई दो हज़ार तेईस को जिमेज कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था और उस गाने को शेखर अस्तित्व ने लिखा हुआ था विक्रम से गाने को ने लिखा हुआ था म्यूजिक प्रणय ने दिया हुआ था सिंगर प्रणय और कैलाश खेर थे अके एकलो चलो करके जो गाना था, उसके ने लिखे हुए थे म्यूजिक संदीप सांडलिया ने दिया हुआ था और श्रद्धा मिश्रा ने उसको गाया हुआ था ये चार गाने थे फिल्म में जिसकी लेदाह मिनट छब्बीस सेकंड दो में गानों को रिकॉर्ड किया गया जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी को आठ अगस्त दो हजार तेईस को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल किया हुआ था मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की पोस्टर के साथ मार्केटिंग की गई थी अक्टूबर 2021 में जब अनाउंसमेंट हुई थी तब लॉर्ड शिवा के अवतार में अक्षय कुमार का किरदार देखने को मिला था और उस पोस्टर को लॉन्च किया था जिसके चलते एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था टीजर था वो ग्यारह जुलाई दो को प्रीमियर कर रिलीज करवाया गया उससे भी एक अच्छा पॉजिटिव आई बाई फिल्म का ट्रेलर था उसको तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया जिसको यूएस सर्टिफिकेट मिला और ट्रेलर था उसमें काफी कट्स लगाए गए थे काफी सारे चेंजेस किए गए थे जहाँ पे अक्षय कुमार जो लॉर्ड शिवा का रोल प्ले करे थे थे उसके बाद में वो किरदार चेंज करते हुए उसके डिवोटी का रोल प्ले करते हुए वो नजर आए मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है जहां पे इस फिल्म में कांति सरन मुडल जिसका रोल प्ले करे पंकज त्रिपाठी वो एक पूजा सामग्री की एक दुकान चलाते छोटी सी जहाँ पे वो लोड शिवा यानी कि शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त है उनके दो बेटे एक का नाम है विवेक जो आरुष सर वर्मा वो रोल प्ले कर रहे हैं दो बच्चों में से आरुष वर्मा का रोल है वो विवेक का है जो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है स्कूल टॉयलेट में उसका मास्टर बेटिंग का वीडियो होता है वो कोई रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो उतार लेता है और उसको सोशल मीडिया में डाल देता है जो वायरल हो जाता है उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आने लगते हैं उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट इस इनडिसेंट बिहेवियर के चलते उनको रेस्टिकेट कर देते और बाद में कांति मुर्गल अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है कुछ अलग प्लेस पे चला जाता है जब वो वहाँ पे जाता है तब वो लॉर्ड शिवा के मैसेंजर से मिलता है जो रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे और वो भगवान के मैसेंजर कांति शरण मुड़गल को समझाते हैं कि जो उसके बेटे ने किया वो उसकी गलती नहीं थी दोनों की हुई थी होते गाने को गिनी दीवान ने लिखा हुआ था म्यूजिक प्रणय ने दिया हुआ था सिंगर प्रणय और कैलाश खेर थे एक लो चलो करके जो गाना था उसके लिरिक्स ने लिखे हुए थे म्यूजिक ने दिया हुआ था और श्रद्धा मिश्रा ने उसको गाया हुआ था ये चार गाने थे फिल्म में जिसकी लेंथ थी लेदाह मिनट छब्बीस सेकंड दो में गानों को रिकॉर्ड किया गया जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी गानों को आठ अगस्त दो को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की पोस्टर के साथ मार्केटिंग की गई थी अक्टूबर 2021 में जब अनाउंसमेंट हुई थी तब लॉर्ड शिवा के अवतार में अक्षय कुमार का किरदार देखने को मिला था और उस पोस्टर को लॉन्च किया था जिसके चलते एक अच्छा बस क्रिएट हुआ था टीजर था वो ग्यारह जुलाई दो को प्रीमियर कर रिलीज करवाया गया उससे भी एक अच्छा पॉजिटिव आई बी फिल्म का ट्रेलर था उसको तीन अगस्त दो को रिलीज किया गया जिसको ये सर्टिफिकेट मिला और ट्रेलर था उसमें काफी कट्स लगाए गए थे काफी सारे चेंजेस किए गए थे जहाँ पे अक्षय कुमार जो लॉर्ड शिवा का रोल प्ले कर रहे थे उसके बाद में वो किरदार चेंज करते हुए उसके डीओटी का रोल प्ले करते हुए वो नजर आए उनके मैसेंजर के तौर पे और करीबन पच्चीस से तीस मॉडिफिकेशन और कार्ड्स के साथ चीज़ों को रिलीज़ किया गया था ए सर्टिफिकेट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे इस फिल्म में कांति सरन मुड़गल जिसका रोल प्ले करे पंकज त्रिपाठी वो एक पूजा सामग्री की एक दुकान चलाते छोटी सी जहाँ पे वो लोड शिवा यानी कि शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं उनके दो बेटे एक का नाम है विवेक जो आरुष सर वर्मा वो रोल प्ले कर रहे दो बच्चों में से आरुष वर्मा का रोल है वो विवेक का है जो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है स्कूल टॉयलेट में उसका मास्टर बेडिंग का वीडियो होता है वो कोई रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो उतार लेता है और उसको सोशल मीडिया में डाल देता है जो वायरल हो जाता है उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आने लगते हैं उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट इस इनडिसेंट बिहेवियर के चलते उनको रेस्टिकेट कर देते और बाद में कांति मुर्गल अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है कुछ अलग प्लेस पे चला जाता है जब वो वहाँ पे जाता है तब वो लोड सिवा के मैसेंजर से मिलता है जो रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे और वो भगवान के मैसेंजर कांति शरण मुर्गल को समझाते हैं कि जो उसके बेटे ने किया वो उसकी गलती नहीं थी उन्होंने उनको एडवाइस दी कि वो अपने बेटे के लिए लड़ाई करे फाइट करे तो अब आगे कांति किस तरह से कैसे चीज़ों को हैंडल करता है और उन सभी चीज़ों को हैंडल करते समय उसको क्या दिक्कतें आती है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के डायरेक्टर वो इस फिल्म के राइटर भी है सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो मास्टर बेटिंग के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हुई थी जो टॉपिक पकड़ा हुआ था वो पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था उसमें उन्होंने साथी में लोड सेवा का कौन से भी ऐड किया था हाँ लेटर ऑन बाद में सेंसर बोर्ड की तरफ से चीज़ें चेंज करवाई गई थी लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ें डिस्कस की गई आ, एजुकेशन जिस तरह से स्कूल में मिल रहा है इक्कीस में शुरू हुआ भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओ माय गॉड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। अब खबर सामने आ रही है कि ओ माय गॉड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई ओ एम जी टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भस्म लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को शनिदेव

मिल्कश ने फिल्म में एडल्ट एजुकेशन के हकीकत को लेकर बातें की है ओ एम के पहले भगवान में अक्षय कुमार भगवान कृष्ण बने थे और परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ट में परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी ने ली है वही अक्षय इस बार भगवान शिव के रोल में नजर आने वाले हैं फिल्म ओ एम में रामायण फेम अरुण गोबिल भगवान राम के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में है रथ्रा में सिनेमाघर का रुख करेंगे अक्षय कुमार फिल्म ओ माई गार्ड टू ग्यारह अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है हालांकि इसके बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिड़ंत होने वाली है उसी दिन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और सुनी देवल की गदर टू भी रिलीज होगी वही ओ एम की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षय कुमार ने ट्विटर के माध्यम से ओ एम टू का नया पोस्टर शेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में डमरू बजाते नजर आ रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और शरीर व चेहरे पर भस्म लगी थी बता दें कि पहले अक्षय की फिल्म ओ टी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय लिया है दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देओल और अमित पटेल स्टार गदर स्टारर रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षय कुमार रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज के लिए तैयार है दरअसल अक्षय कुमार ओ एम पिछले तेईस मई को ओ पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थिएटर में रिलीज करने का निर्णय ले लिया है अमित राय ने ओ को डायरेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंधविश्वास की दिलचस्प कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में शिक्षा प्रणाली

11 अगस्त को रिलीज होगी। इसके अलावा स्टारर स्टारर गदर 2 2 और अक्षय कुमार भी 11 अगस्त को थिएटर में ही रिलीज होने वाली है इन तीनों स्टार की फिल्में एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी ओ एम एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की व्यंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह ओ का अत्याधुनिक शुल्कल है और इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यमी गौतम अरुण गोबिल और आमिर नाइक हैं। यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपिल ढीसाह राजेश बहल और अशुन वर्दे के द्वारा इसके उत्पादन कंपनियां हैं कैप ऑफ गुड फिल्म वाइकाम एटीन स्टूडियोज और वकाओ फिल्म ये वितरित की गई है वायकाम एटीन एट स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हजार ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोबिल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामी गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि जनवरी दो हजार इक्कीस में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और प्रेस रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ के शुक्ल के अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोबिल नवंबर दो में भगवान राम के में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की विशेषता वाली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओ माई गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माई गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में प्रेस रावल ने निभाई थी जबकि अच्छे भगवान के रूप में पिछली ही निभाएंगे। फिल्म की कहानी और इसके कुछ दिन बाद यामी गौतम फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम के साथ जुड़ेंगी वही अक्षय कुमार फिल्म की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे अक्षय ने ओमाई गार्ड टू में अपने किरदार भगवान कर्षण की शूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ पंद्रह से बीस दिन ही दिए हैं। ओ oh माई गार्ड टू को अश्विन वर्दे और अक्षय कुमार साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं बता दें कि दो में रिलीज ओ माई गार्ड में परेश रावल और अक्षय लीड रोल में नजर आए थे इस फिल्म का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया था अक्षय कुमार के पास फिल्मों का भंडार है अक्षय एक के बाद एक फिल्म साइन कर रहे हैं और उनके लुक्स भी फैंस शेयर कर रहे हैं अब अक्षय कुमार की फिल्म ओ एम जी टू के लुक को शेयर कर दिया गया है अक्षय इस फिल्म में भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे अक्षय ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह भगवान शिव के रूम में नजर आ रहे हैं अपने लुक को शेयर करते हुए अक्षय कुमार लिखते हैं करता करे ना करे शिव करे शो हो होए ओ एम जी टू के लिए आपकी दुआओं और शुभकामनाओं की जरूरत है यह एक जरूरी सोशल मैसेज देने वाली हमारी नम्र और ईमानदार कोशिश है आदि योगी की ऊर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महादेव ओ एम जी टू के लिए अक्षय कुमार उज्जैन गए हुए हैं तेईस अक्टूबर को अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ उज्जैन पहुंचे यहाँ उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा अक्षय कुमार की इस फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग महाकाल मंदिर में होनी है बताया जा रहा है कि उज्जैन में ओ एम की शूटिंग का करीब दो हफ्ते का शेड्यूल है इस दौरान उज्जैन की अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों पर फिल्म के अलग अलग सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर पर 11 अगस्त को रिलीज होगी इसके अलावा सनी देवल स्टार गू और अक्षय कुमार स्टारर ओ एम भी ग्यारह अगस्त को थिएटर में ही रिलीज होने वाली है इन तीनों स्टार की फिल्में एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देंगी ओ एम एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की व्यंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित राय द्वारा तो निर्देशित है। या का है। और इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामि गौतम अरुण गोबिल और आमिर नायक हैं यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित राय और उत्पादित हुई है विपुल ढिसा राजेश बहल और अश्विन वर्दे के द्वारा इसकी उत्पादन कंपनियां हैं कैप ऑफ गुड फिल्म वाइकाम एटीन स्टूडियोज और वकआ फिल्म यह वितरित की गई है वाकॉम एटीन स्टूडियो के द्वारा इसकी रिलीज की तारीख है ग्यारह अगस्त दो हजार भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार हैं पंकज त्रिपाठी और भगवान राम के रूप में अरुण गोविल हैं संजना त्रिपाठी के रूप में यामि गौतम हैं और गोविंद नामदेव भी इसमें हैं शुरुआत में अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी दो में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षय कुमार और प्रेस रावल मुख्य भूमिका में लौटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जून दो में ओ के शुक्ल की अंतता कुमार अभिनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टि की गई उसी महीने पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में शामिल किया गया जबकि अरुण गोविल नवंबर दो हज़ार इक्कीस में भगवान राम के में शामिल हुए त्रिपाठी ने 2 सितंबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू किया अक्षय कुमार 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शेड्यूल में सेट पर शामिल हुए फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में शुरू हुआ भगवान शिव के रूप में अक्षय कुमार की विशेषता वाले को मिलेगी जो चंदू की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगे करण आनंद ने इस फिल्म में प्रफुल्ल महेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति तिवारी ने पांडे जी के डॉटर इन डोटरिनलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आश्रय मिश्रा ने इस फिल्म में पांडे जी के ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा एजोई चक्रवर्ती इस फिल्म में आपको डिफेंडर एडवोकेट के रोल में दिखाई देंगे प्रताप वर्मा ने मौलवी का रोल प्ले किया हुआ है नम्रता कपूर ने मोना के माध माँ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत सोनी ने मिडल एज मैन का रोल प्ले किया हुआ है मनोज दत्त ने इस फिल्म में कांतिट के डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है शिव कुमार वर्मा प्रोटेस्टिंग मैन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा पराग छापेकर ने इस फिल्म में मेडिकल स्टोर ओनर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर सिमरन शर्मा ने फीमेल प्रोस्टीट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट और कास्टिंग की शुरुआत दो में हो गई थी कुछ इनिशियल रोमर्स आए थे कि ओ माय गॉड टू आने वाले जिसमें पहले पार्ट से परेश रावल और अक्षय कुमार अपना रोल रिप्राइज करेंगे लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट से पता चला कि परेश रावल ने इस प्रो, प्रोजेक्ट को करने से डिनाई किया उसके बाद में जून 2021 में सिक्वल के ऊपर ऑफिशियल फाइनली कन्फर्मेशन सुनाई दी गई जहां पे नई स्टोरी लाइन थी स्टेनल ऑन सिकल था जहां पे अक्षय कुमार ने अपना रोल रिप्राइज किया इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को इस फिल्म में उसी महीने में जब अनाउंसमेंट हुई थी उसी महीने में रोप किया गया था उनको इस कहानी के साथ जोड़ा गया था उसके बाद में अरुण गोविल ने काफ़ी लंबे समय के बाद इस फिल्म में उसके ऊपर जो सभी चीज़ें दिखाने की उन्होंने कोशिश की है वो पूरी तरह से डिफरेंट था रिसेंट टाइम में ये सभी चीज़ें आपको शायद छतरी वाला वाली फिल्म करके एक फिल्म आई थी उसमें भी देखने को मिली होगी जिसमें रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में थी तो उस फिल्म फिल्म में भी कुछ इसी टाइप का इश्यू था और सेम इशू इस फिल्म में भी डाला गया है जहाँ पर इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को एक सॉलिड ह्यूमर के साथ कुछ क्लेपरती डायलॉग भी सेट किए हुए हैं स्पलेंडिड परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है और कुछ ऐसे कई सीन्स है जिसमें आप जरूर इस फिल्म में पेट पकड़ के हंसने वाले हो तो ऐसे कुछ सीनों के साथ इस सभी चीज़ों के साथ ह्यूमर के साथ इस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की हुई है अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है स्क्रीन प्रेजेंस उनका कम था लेकिन जब भी स्क्रीनस पे आते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाते हैं और इसके अलावा उनका जो इम्पेक्ट रहता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो छोड़ के जाते उनके वो पावरफुल इम्पेक्ट की वजह से आप ओ माई गोड टू में एक अलग ही फील महसूस करोगे उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी अपनी एक्टिंग में जिस तरह से उन्होंने एक टच दिया हुआ इस अपनी एक्टिंग के साथ इस किरदार में वो बढ़िया था पंकज त्रिपाठी वो पूरी फिल्म में काफ़ी लंबे स्क्रीन प्रेजेंस में देखने को मिलते हैं और उनका वो स्क्रीन प्रेजेंस उनके वो बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी टाइमिंग डायलॉग डिलीवरी वो सभी चीज़ें बढ़िया थी कॉमेडी टाइमिंग उनकी इम्पेकेबल थी जिस तरह से कोर्टरूम सीन्स क्रिएट किए गए थे उनके रिगार्डिंग वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे यामी गौतम एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आती है एक्सपर्ट लॉयर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है वर्मा इस फिल्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं जिस तरह से कोर्ट रूम प्रोसीडिंग होते हैं उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डायरेक्टर ने क्राफ्ट किया हुआ था जहाँ पे जिस तरह से सेक्स वर्कर के साथ जो सीक्वेंस क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें बढ़िया थी और ओवरऑल जिस तरह से इन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई थी मेकर्स उसमें कामयाब रहे पवन मल्होत्रा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जज के रोल में काम किया हुआ है माइनस पॉइंट की बात करें तो अक्षय कुमार का रोल काफ़ी इम्पेक्टफुल था लेकिन जिस तरह से उनका स्क्रीन टाइम था उससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं कम था थोड़ा ज़्यादा ही कम था पहले हाफ में तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते एक आध क्लिप में फ्यू मिनट्स के लिए सेकंड हाफ़ में उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत सीन्स में देखने को मिलेंगे फिल्म की स्पेस थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है कुछ सीन्स में आपको इसके अलावा एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिल्म को लंबी कर रही थी तो उसको जॉप ऑफ किया जा सकता था जिस वजह से चीज़ें और इंजोएबल हो पाती Bora. इस फिल्म में जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्शन के तौर पे कुछ सब सप्लोट देखने को मिलते है उसको भी हटा दिया जा सकता था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम किया हुआ है हर हर महादेव गाना है वो भी काफी बढ़िया है रघुवंशी के द्वारा जो गाना क्रिएट किया गया ऊँची ऊंची वादी वो भी आपको पसंद आएगा उन सभी गानों को ये फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी स्टेडियस है वो काफ़ी बढ़िया सुपेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है इस फिल्म में मेजोरिटी कॉटरॉम सीन्स देखने को मिलते आर्ट डायरेक्शन वहाँ पे काफ़ी बढ़िया नज़र था है उन्होंने काफी परफेक्टली काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आती है डायरेक्टर अमित राय जो इस फिल्म के साथ एक अच्छा अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हुए सॉलिड मैसेज सोसाइटी को डिलीवर करने की कोशिश करते और इसके अलावा इस फिल्म के साथ उन्होंने एक अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ था इसके साथ ही में जिस तरह से इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश किए हुए वो काफ़ी बढ़िया है तो ओवरऑल एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे जिस तरह से सेक्स से एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर जो उन्होंने एक कटाक्स किए हुए उसी के साथ में उसमें कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों को एड करते हुए जिस तरह से फिल्म को पेश किया हुआ वो बढ़िया है फिल्म का कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बोल्ड कंटेंट था पावर पेक परफॉर्मेंसिस के साथ वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाते है। और भी ज्यादा जहाँ पे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी या गौतम फिल्म को काफी बढ़िया लेवल पे ले जाते म्यूजिक अच्छे गाने अच्छे तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है ओ माय टू फिल्म को थिएटर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माई गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माई गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में परेश

पंद्रह से बीस दिन ही दिए हैं ओ oh माय गार्ड टू को अश्विन वर्दे और अक्षय कुमार साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं बता दें कि 2012 में रिलीज माय oh गार्ड में परेश रावल और अक्षय लीड रोल में नजर आए थे इस फिल्म का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया था अक्षय कुमार के पास फिल्मों का भंडार है अक्षय के बाद एक फिल्म साइन कर रहे हैं और उनके लुक्स भी फैंस शेयर कर रहे हैं अब अक्षय कुमार की फिल्म ओ एम के लुक को शेयर कर दिया गया है अक्षय इस फिल्म में भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे अक्षय ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह भगवान शिव के रूम में नजर आ रहे हैं अपने लुक को शेयर करते हुए अक्षय कुमार लिखते हैं करता करे ना करे शिव करे शो हो होए ओ एम जी टू के लिए आपकी दुआओं और शुभकामनाओं की जरूरत है यह एक जरूरी सोशल मैसेज देने वाली हमारी नम्र और ईमानदार कोशिश है आदि योगी की ऊर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महादेव ओ एम जी टू के लिए अक्षय कुमार उज्जैन गए हुए हैं तेईस अक्टूबर को अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ उज्जैन पहुंचे यहाँ उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा अक्षय कुमार की इस फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग महाकाल मंदिर में होनी है बताया जा रहा है कि उज्जैन में ओ एम की शूटिंग का करीब दो हफ्ते का शेड्यूल है इस दौरान उज्जैन की अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों पर फिल्म के अलग अलग सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन के अन्य मंदिरों और रामघाट पर भी फिल्म की शूटिंग होगी अक्षय संघ पंकज त्रिपाठी भी उज्जैन पहुंचे थे फिल्म ओ एम जी टू को डायरेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अमी गौतम और पंकज त्रिपाठी होंगे कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रामायण फिल्म एक्टर अरुण गोबिल इस फिल्म राम अवतार में नजर आने वाले हैं खबर थी कि अक्षय कुमार खुद अरुण को इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाहते थे और गोबिल ने उनका ऑफर मान लिया अक्षय कुमार की ये फिल्म साल 2012 में आई ओ एम जी यानी ओ माई गार्ड का शुक्र है उस फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था उनके साथ प्रेस रावल थे जिन्होंने एक नास्तिक व्यक्ति का रोल अदा किया था फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी अक्षय ने अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो वह राम सेतु पृथ्वीराज बच्चन पांडे रक्षाबंधन अतरंगिरे गोरखा सूर्यवंशी और मिशन में भी काम कर रहे हैं अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माई गार्ड का शिवकला आने वाला है बता दें कि 2012 में ओ माई गार्ड रिलीज हुई थी और दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का रोल किया था फर्स्ट लुक से लगता है कि दूसरे पार्ट में वो भगवान शिव के किरदार में दिखेंगे खिलाड़ी कुमार ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा आ रहे हैं हम आइएगा आप भी ग्यारह अगस्त को थिएटर्स में फिल्म के पहले पोस्टर में अक्षय कुमार लंबी जटाओ और चेहरे में भस्म लगाए देख रहे थे उनके गले में रुद्राज की माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि ओ एम टू में महादेव का किरदार निभा रहे हैं खिलाड़ी कुमार यामि गौतम ने फिल्म में फीमर अक्टूबर दो में लॉन्च किया गया था एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 1 अगस्त ओ माई गार्ड टू की शूटिंग शुरू कर दी थी इस सोशल कॉमेडी फिल्म में पंकज के अलावा अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओ माई गार्ड टू की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सूत्रों के मुताबिक जहाँ ओ माई गार्ड धर्म पर आधारित थी वही ओ माई गार्ड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगी इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य हीरो की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे जैसे पहले वाली ओ माई गार्ड में रावल ने निभाई थी जबकि अच्छे भगवान कृष्ण के रूप में अपनी पिछली भूमिका ही निभाएंगे फिल्म की कहानी परीक्षा दबाव और कॉलेज प्रवेश जैसे विषयों जैसे मुद्दों को भी उजागर करेगी अमित राय के निर्देशन में बन रही ओ ओमाई गार्ड टू की शूटिंग अगले कुछ दिनों तक पंकज अकेले ही करेंगे इसके कुछ दिन बाद यामी गौतम फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम के साथ जुड़ेंगी वही अक्षय कुमार फिल्म की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे अक्षय ने ओ माई गार्ड टू में अपने किरदार भगवान कृष्ण की शूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ पंद्रह से बीस दिन ही दिए हैं ओ ओमाई गार्ड टू को अश्विन वर्दे और अक्षय कुमार साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं बता दें कि दो

करता करे ना करे, शिव करे शो होए। ओ एम जी टू के लिए आपकी दुआओं और शुभकामनाओं की ज़रूरत है यह एक जरूरी सोशल मैसेज देने वाली हमारी नम्र और ईमानदार कोशिश है आदि योगी की ऊर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महादेव ओएमजी जी टू के लिए अक्षय कुमार उज्जैन गए हुए हैं तेईस अक्टूबर को अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा अक्षय कुमार की इस फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग महाकाल मंदिर में होनी है बताया जा रहा है कि उज्जैन में ओ एम की शूटिंग का करीब दो हफ्ते का शेड्यूल है इस दौरान उज्जैन की अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली जगहों पर फिल्म के अलग अलग सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन के अन्य मंदिरों और रामघाट पर भी फिल्म की शूटिंग होगी अक्षय संघ पंकज त्रिपाठी भी उज्जैन पहुंचे थे फिल्म ओ एम जी टू को डायरेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अम्मी गौतम और पंकज त्रिपाठी होंगे कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रामायण फिल्म एक्टर अरुण गोबिल इस फिल्म राम अवतार में नजर आने वाले हैं खबर थी कि अक्षय कुमार खुद अरुण को इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाहते थे और गोबिल ने उनका ऑफर मान लिया अक्षय कुमार की यह फिल्म साल 2012 में आई ओ एम जी यानी ओ माई गार्ड का शुक्ल है उस फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था उनके साथ प्रेस रावल थे जिन्होंने एक नास्तिक व्यक्ति का रोल अदा किया था फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी अक्षय ने अन्य प्रोजेक्ट की बात करें तो वह राम सेतु पृथ्वीराज बच्चन पांडे रक्षाबंधन अतरंगिरे गोरखा सूर्यवंशी और मिशन सिल्डा में भी काम कर रहे हैं अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माई गार्ड का शिवकला आने वाला है बता दें कि 2012 में ओ माई गार्ड रिलीज हुई थी और दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का रोल किया था फर्स्ट लुक से लगता है कि दूसरे पार्ट में वो भगवान शिव के किरदार में दिखेंगे खिलाड़ी कुमार ने फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा आ रहे हैं हम आइएगा आप भी ग्यारह अगस्त को थिएटर्स में फिल्म के पहले पोस्टर में अक्षय कुमार लंबी जटाव और चेहरे में भस्म लगाए दिख रहे थे उनके गले में रुद्राज की माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंदाजा लगाया कि ओ एम जी टू में महादेव का किरदार निभा रहे हैं खिलाड़ी कुमार यामी गौतम ने फिल्म में फीमेल लीड रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सोशल मीडिया पर शेयर किया था अक्षय कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था अक्षय कुमार स्टारर और सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड यानी ओ एम जी इन दिनों अपने शुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लॉप के मार झेल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं वहीं बीते दिन अक्षय ने ओ माय गॉड टू की रिलेटेड से पर्दा उठाया था जिसके बाद से फैंस इस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं वही अब ओ एम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिससे जानकर अक्षय के फैंस का खुश होना लाजमी है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी के लेकर पहले अफवाह फैली थी या ओडीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी लेकिन अक्षय ने बीते दिन इसके रिलीज डेट का खुलासा कर सभी अफवाहों पर विराम अनाउंसमेंट हुई थी तब लोड सिवा के अवतार में अक्षय कुमार का किरदार देखने को मिला था और उस पोस्टर को लॉन्च किया था जिसके चलते एक अच्छा बर्स क्रिएट हुआ था टीजर था वो ग्यारह जुलाई दो हजार तेईस को प्रीमियर कर रिलीज करवाया गया उससे भी एक अच्छा पॉजिटिव आई बाई फिल्म का ट्रेलर था उसको तीन अगस्त दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको यू सर्टिफिकेट मिला और ट्रेलर था उसमें काफ़ी कट्स लगाए गए थे काफी सारे चेंजेस किए गए थे जहाँ पे अक्षय कुमार जो लोड सेवा का रोल प्ले कर रहे थे उसके बाद में वो किरदार चेंज करते हुए उसके डी ओ टी का रोल प्ले करते हुए वो नजर आए उनके मैसेंजर के तौर पर और करीबन पच्चीस से तीस मॉडिफिकेशन और कार्ड्स के साथ चीज़ों को रिलीज़ किया गया था ए सर्टिफिकेट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे इस फिल्म में कांति सरन मुड़गल जिसका रोल प्ले करे पंकज त्रिपाठी वो एक पूजा सामग्री की एक दुकान चलाते छोटी सी जहाँ पे वो लोड शिवा यानी कि शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं उनके दो बेटे एक का नाम है विवेक जो आरुष सर वर्मा वो रोल प्ले कर रहे दो बच्चों में से आरुष वर्मा का रोल है वो विवेक का है जो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है स्कूल टॉयलेट में उसका मास्टर बेडिंग का वीडियो होता है वो कोई रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो उतार लेता है और उसको सोशल मीडिया में डाल देता है जो वायरल हो जाता है उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आने लगते हैं उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट इस इनडिसेंट बिहेवियर के चलते उनको रेस्टिकेट कर देते और बाद में कांति मुर्गल अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है कुछ अलग प्लेस पे चला जाता है जब वो वहाँ पे जाता है तब वो लोड सिवा के मैसेंजर से मिलता है जो रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे और वो भगवान के मैसेंजर कांति शरण मुर्गल को समझाते हैं कि जो उसके बेटे ने किया वो उसकी गलती नहीं थी उन्होंने उनको एडवाइस दी कि वो अपने बेटे के लिए लड़ाई करे फाइट करे तो अब आगे कांति किस तरह से कैसे चीज़ों को हैंडल करता है और उन सभी चीज़ों को हैंडल करते समय उसको क्या दिक्कतें आती है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के डायरेक्टर वो इस फिल्म के राइटर भी है सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो मास्टर बेटिंग के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हुई थी जो टॉपिक पकड़ा हुआ था वो पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था उसमें उन्होंने साथ ही में लोड सेवा का कौन से भी ऐड किया था हाँ लेटर ऑन बाद में सेंसर बोर्ड की तरफ से चीज़ें चेंज करवाई गई थी लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ें डिस्कस की गई है उससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं कम था थोड़ा ज़्यादा ही कम था पहले हाफ़ में तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते एक आध क्लिप में फ्यू मिनट्स के लिए सेकंड हाफ़ में उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत सीन्स में देखने को मिलेंगे फिल्म की स्पेस थोड़ी स्लो नजर आ सकती है कुछ सीन्स में आपको इसके अलावा एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिल्म को लंबी कर रही थी तो उसको जॉप ऑफ किया जा सकता था जिस वजह से चीज़ें और इन्जॉयबल हो पाती और इस फिल्म में जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्सन के तौर पे कुछ प्लॉट देखने को मिलते उसको भी हटा दिया जा सकता था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम किया हुआ है हर हर महादेव गाना है वो भी काफ़ी बढ़िया है रघुवंशी के द्वारा जो गाना क्रिएट किया गया ऊँची ऊँची वादी वो भी आपको पसंद आएगा उन सभी गानों को ये फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी स्टुपेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया सुपेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है इस फिल्म में मेजोरिटी रूम सीन्स देखने को मिलते हैं आर्ट डायरेक्शन वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उन्होंने काफी परफेक्टली काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की डिसेंट है प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आती है डायरेक्टर अमित राय जो इस फिल्म के साथ एक अच्छा अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हुए सॉलिड मैसेज सोसाइटी को डिलीवर करने की कोशिश करते और इसके अलावा इस फिल्म के साथ उन्होंने एक अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ था इसके साथ ही में जिस तरह से इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश किए हुए वो काफ़ी बढ़िया है तो ओवरऑल एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे जिस तरह से, से सेक्स एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर जो उन्होंने एक कटाक्ष किए हुए है उसी के साथ में उसमें कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीज़ों को एड करते हुए जिस तरह से फिल्म को पेश किया हुआ है वो बढ़िया है फिल्म का कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बोल्ड कंटेंट था पावर पेक परफॉर्मेंसिस के साथ वो सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है और भी ज़्यादा जहाँ पर अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामी गौतम फिल्म को काफ़ी बढ़िया लेवल पे ले जाते हैं म्यूज़िक अच्छे गाने अच्छे तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है ओ माई गोट टू फिल्म को थिएटर के सन जिस तरह से स्कूल में मिल रहा है उसके ऊपर जो सभी चीज़ें दिखाने की उन्होंने कोशिश की है वो पूरी तरह से डिफरेंट था रिसेंट टाइम में ये सभी चीज़ें आपको शायद छतरी वाला वाली फिल्म करके एक फिल्म आई थी उसमें भी देखने को मिली होगी जिसमें रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में थी तो उस फिल्म फिल्म में भी कुछ इसी टाइप का इश्यू था और सेम इशू इस फिल्म में भी डाला गया है जहाँ पर इस फिल्म में इन सभी चीज़ों को एक सॉलिड ह्यूमर के साथ कुछ क्लिप क्लिपरती डायलॉग भी सेट किए हुए स्प्लेंडिड परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है और कुछ ऐसे कई सीन्स है जिसमें आप ज़रूर इस फिल्म में पेट पकड़ के हंसने वाले हो तो ऐसे कुछ सीनों के साथ इस सभी चीज़ों के साथ ह्यूमर के साथ इस इस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की हुई है अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है स्क्रीन प्रेजेंस उनका कम था लेकिन जब भी स्क्रीनस पे आते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्रेस कर जाते हैं और इसके अलावा उनका जो इम्पेक्ट रहता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो छोड़ के जाते उनके वो पावरफुल इम्पेक्ट की वजह से आप ओ माई गोड टू में एक अलग ही फील महसूस करोगे उनकी डायलॉग डिलीवरी जिस तरह की थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी अपनी एक्टिंग में जिस तरह से उन्होंने एक ट दिया हुआ इस अपनिंग एक्टिंग के साथ इस किरदार में वो बढ़िया था पंकज त्रिपाठी वो पूरी फिल्म में काफी लंबे स्क्रीन प्रेजेंस में देखने को मिलते हैं और उनका वो स्क्रीन प्रेजेंस उनके वो बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी टाइमिंग डायलॉग डिलीवरी वो सभी चीजें बढ़िया थी कॉमेडी टाइमिंग उनकी इम्पेकेबल थी जिस तरह से कोर्ट सीन्स क्रिएट किए गए थे उनके रिगार्डिंग वो भी काफी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे यामी गौतम एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आती है एक्सपर्ट लॉयर के तौर पर उन्होंने इस फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है वर्मा इस फिल्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं जिस तरह से कोटरम प्रोसीडिंग होते हैं उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डायरेक्टर ने क्राफ्ट किया हुआ था जहाँ पे जिस तरह से सेक्स वर्कर के साथ जो सीक्वेंस क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें बढ़िया थी और ओवरऑल जिस तरह से इन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई थी मेकरस उसमें कामयाब रहे पवन मल्होत्रा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जज के रोल में काम किया हुआ है माइनस पॉइंट की बात करें तो अक्षय कुमार का रोल काफ़ी इंपेक्टफुल था लेकिन जिस से उनका स्क्रीन टाइम था उससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं कम था थोड़ा ज़्यादा ही कम था पहले हाफ में तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते एक आध क्लिप में फ्यू मिनट्स के लिए सेकंड हाफ में उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत सीन्स में देखने को मिलेंगे फिल्म की स्पेस थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है कुछ सीन्स में आपको इसके अलावा एडिटिंग में थोड़ा काम किया जा सकता था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फिल्म को लंबी कर रही थी तो उसको जो प्रूफ किया जा सकता था जिस वजह से चीज़ें और इंजॉयबल हो पाती और इस फिल्म में जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्शन के तौर पे कुछ प्लॉट देखने को मिलते हैं उसको भी हटा दिया जा सकता था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम किया हुआ है हर हर महादेव गाना है वो भी काफ़ी बढ़िया है रघुवंशी के द्वारा जो गाना क्रिएट किया गया ऊँची ऊँची वादी वो भी आपको पसंद आएगा उन सभी गानों को ये फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी स्टेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया सुपेंडियस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई है इस फिल्म में मेजोरिटी कॉटरम सीन्स देखने को मिलते हैं आर्ट डायरेक्शन वहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आता है उन्होंने काफी परफेक्टली काम किया हुआ है एडिटिंग फिल्म की अच्छा कोशिश को करते और इसके अलावा इस फिल्म के साथ उन्होंने एक अच्छा अटैम्प किया हुआ था इसके साथ ही में जिस तरह से इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें जो काफी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश किए हुए वो काफी बढ़िया है तो ओवरऑल एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है जहाँ पे जिस तरह सेक्स एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके के ऊपर जो उन्होंने कटाक्ष किए हुए है उसी के साथ में उसमें कॉमेडी ड्रामा इन सभी चीजों को ऐड करते हुए स्ट्रॉन्ग का था बोल्ड कंटेंट था पावर पेक चीज़ें बेहतर हो जाती है और भी ज्यादा जहाँ पे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामी गौतम फिल्म को काफी बढ़िया लेवल पे ले जाते हैं म्यूजिक अच्छे गाने अच्छे तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है और माई गोट टू फिल्म को थिएटर में हिंदी वर्जन में ही रिलीज किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को आ, एक सौ पचास पचपन मिनट के रन टाइम के साथ ए सर्टिफिकेट के साथ ग्यारह अगस्त दो हज़ार तेईस को रिलीज किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला आई एम डी पे करीबन पंद्रह हज़ार वोट मिले जिसमें आठ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से पहले दिन इस फिल्म ने गदर टू के भारी भरकम बस के सामने एक अच्छा कलेक्शन करके दिखाया जहाँ पे फ्राइडे के दिन दस करोड़ छब्बीस लाख का नेट कलेक्शन निकला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का कलेक्शन पचास परसेंट बढ़ा गया जहाँ पे सैटरडे के दिन करीबन फिल्म ने पंद्रह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने और पंद्रह परसेंट कलेक्शन बढ़ाया के मुकाबले जहां पे करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन हुआ और फिल्म का वीकेंड करीबन तिरतालीस करोड़ ग्यारह लाख का इंडिया से निकल के आया वहीं पर मंडे के दिन फिल्म ने फ्राइडे के मुकाबले एक टेस्टिंग डे होता है कि फ्राइडे के मुकाबले करीबन फिफ्टी टू सिक्सटी अगर कलेक्शन आ जाए तो फिल्म अच्छा रन कर सकती है लेकिन इस फिल्म ने तो चमत्कार ही किया जहाँ पे पहले दिन दस करोड़ का कलेक्शन था तो इस फिल्म में मंडे के दिन यानी कि चौथे दिन बारह करोड़ छह लाख का कलेक्शन किया डेज़ के ऊपर ये फिल्म बढ़िया वर्क कर रही है जहाँ पे इस फिल्म ने इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर भी एक अच्छे खासे ओपनिंग हासिल की एक अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया हुआ है इस फिल्म ने चार दिनों के अंदर करीबन पचपन करोड़ सत्रह लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया और पैंसठ करोड़ अड़सठ लाख का ग्रोस कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था वहीं पर ओवरसीज से जो ग्रोस कलेक्शन था वो ग्यारह करोड़ तीन लाख का निकल के आया जिसके चलते इस फिल्म ने छिहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख का कलेक्शन इंडिया और ओवरसीज से दोनों को मिला के वर्ल्ड वाइड लेवल पे चार दिनों के सॉरी तीन दिनों के अंदर चार दिनों के अंदर करके दिखाया हुआ है ओमाई गोड टू फिल्म की ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो ओ टी टी राइड्स है वो जियो सिनेमा के पास है मोस्ट प्रॉबली क्योंकि कुछ सोर्सेज से पता चला है उनके पास है वहीं पे जो सेटेलाइट राइट्स से है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है तो ओ एम जी टू फिल्म आपको आने वाले कुछ महीनों के बाद जियो सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी हिंदी के साथ हो सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेज में वो इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं वहीं पर ओ टी टी रिलीज के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को आप सेटेलाइट चैनल कलर सिनेफ्लेक्स

समय में देख सकते हो ओ एम जी टू जो 2023 के इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है ये फिल्म 2012 की फिल्म ओ ओमाई गोड का सीखवा लारह की ओ ओमाई गोड के बारे में बातचीत करें तो एक सटायरिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे एक गुजराती प्ले था कांजी विरुद्ध कांजी का इंस्पायर होकर बनाई गई थी हालांकि वो प्ले है वो भी बिल्ली कॉनली के द्वारा द मैन वो स्यूड गोड करके जो एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी फिल्म बनाई हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने कांजी विरुद्ध कांजी बनाई उससे इंस्पायर्ड होकर ओ ओमाई गोड फिल्म हिंदी वर्जन में बनी हुई थी इसके लीड रोल में अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती थे इसके अलावा ओम पुरी गोविंद नामदेव पूनम झावर पूजा गुप्ता और महेश मंजरेकर जैसे एक्टर्स पाइवटल रोल में देखने को मिले थे तो ये सभी लोग फिल्म के साथ जुड़े हुए थे जहाँ पे इन इन लोगों ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ था साठ करोड़ में बनी उस फिल्म ने 2012 में एक सौ तिरानवे करोड़ तक का क्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई उसके कुछ सालों के बाद इस फिल्म के सिकवल के ऊपर बातचीत की गई और उसके बाद में कोविड कोविड के बाद में सिक्वल की रूमर आने लग गई और उसी के साथ बताया जा रहा था कि इस सिकुल में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे स्टैंड अलोन सिक्वल होने वाला है तो ठीक उसी तरह इस फिल्म के जो में कॉमेडी ड्रामा तो था ही लेकिन उसमें इस बार सेक्स एजुकेशन को खाये गए थे इंडियन स्कूल में सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक कटाक्स में एक सटायरिकल वे में चीजों को दिखाने की कोशिश की हुई थी जहां पे कॉमेडी ड्रामा का तड़का भी लगाया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें अमित राय ने की हुई थी जो इस फिल्म के साथ डायरेक्टर में करीबन 10 12 साल के बाद कमबैक करते हुए नजर आए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था विपुल डिसा रूना भाट या राजेश बह कोई रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो उतार लेता है और उसको सोशल मीडिया में डाल देता है जो वायरल हो जाता है उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आने लगते हैं वो उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट इस इनडिसेंट बिहेवियर के चलते उनको रेस्टिकेट कर देते और बाद में कांती मुर्गल अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है कुछ अलग प्लेस पे चला जाता है जब वो वहाँ पे जाता है तब वो लॉर्ड सिवा के मैसेंजर से मिलता है जो रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे और वो भगवान के मैसेंजर कांति शरण मुड़गल को समझाते हैं कि जो उसके बेटे ने किया वो उसकी गलती नहीं थी उन्होंने उनको एडवाइस दी कि वो अपने बेटे के लिए लड़ाई करे फाइट करें तो अब आगे कांति किस तरह से कैसे चीज़ों को हैंडल करता है और उन सभी चीज़ों को हैंडल करते समय उसको क्या दिक्कतें आती है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के डायरेक्टर वो इस फिल्म के राइटर भी है सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो मास्टर बेटिंग के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हुई थी जो टॉपिक पकड़ा हुआ था वो पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था उसमें उन्होंने साथ ही में लोड सेवा का कौन से भी ऐड किया होता था हाँ लेटर ऑन बाद में इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर बातचीत की गई और उसके बाद में कोविड कोविड के बाद में सिक्वल की उमर आने लग गई और उसी के साथ बताया जा रहा था कि इस सिक्वल में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे स्टैंड ऑन सिक्वल होने वाला है तो ठीक उसी तरह इस फिल्म के जो में कॉमेडी ड्रामा तो था ही लेकिन उसमें इस बार सेक्स एजुकेशन को दिखाया गया था इंडियन स्कूल में सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक कटाक्स में एक सटारिकल वे में चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे कॉमेडी ड्रामा का भी लगाया हुआ था स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें अमित राय ने की हुई थी जो इस फिल्म के साथ डायरेक्टर में करीबन दस बारह साल के बाद कम करते हुए नजर आए थे जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था विपुल डीसा रूना भाटिया राजेश बहल और अश्विन वार्डेज और इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म वाइको एटीन स्टूडियो और वकाव फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था वाइकोमेटीन स्टूडियो वालों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक हाई बजट काइंड ऑफ फिल्म थी जहाँ पे फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी अमिल्दू चौधरी ने की हुई थी एडिटिंग है वो सुवीर नाथ ने की हुई थी जिन्होंने 155 मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि दो घंटे 35 मिनट लंबी फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में विक्रम मोन्त्र से हंसराज रघुवंशी डी जे स्ट्रिंग और प्रणय और संदीप संदल्या ने काम किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स थे वो जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए थे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार लोड सिवा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनके मैसेंजर का रोल वहीं पर पंकज त्रिपाठी ने कांति सरन मुंडगल का रोल प्ले किया हुआ यामी गौतम कामिनी माहेश्वरी के रोल में दिखाई देंगी पवन मल्होत्रा ने जज पुरुषोत्तम नागर का रोल प्ले किया हुआ है गोविंद नामदेव आपको पुजारी के रोल में दिखाई देंगे

हवलदार लालचंद का रोल प्ले किया हुआ ने इस फिल्म में अनुप का रोल प्ले किया हुआ है राजीव कचरू ने इस फिल्म में सुनील डिकोष्टा का रोल प्ले किया हुआ तवेदिका नवानी ने इस फिल्म में सोफी का रोल प्ले किया हुआ है भावेश बबानी ने इस फिल्म में सोर्या का रोल प्ले किया हुआ है जो जद जदनागर के बेटे का रोल था वहीं पे इस फिल्म में बिना मेहता देखने को मिलेगी जो चंदू की मां का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी करण आनंद ने इस फिल्म में प्रफुल महेश्वरी का रोल प्ले किया हुआ है ज्योति तिवारी ने पांडे जी के डॉटर इन डोटेनो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे आश्रिया मिश्रा ने इस फिल्म में पांडे जी के ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा एजोई चक्रवर्ती इस फिल्म में आपको डिफेंडर एडवोकेट के रोल में दिखाई देंगे प्रताप वर्मा ने मौलवी का रोल प्ले किया हुआ है नम्रता कपूर ने मोना के माध का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत सोनी ने मिडल एज मैन का रोल प्ले किया हुआ है मनोज दत्त ने इस फिल्म में कांति के डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ शिव कुमार वर्मा प्रोटेस्टिंग मैन के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा पराग छापे ने इस फिल्म में मेडिकल स्टोर ओनर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे सिमरन शर्मा ने फीमेल प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो डेवलपमेंट और कास्टिंग की शुरुआत दो में हो गई थी कुछ इनिशियल रोमर्स आए थे कि ओ माई गोड टू आने वाले जिसमें पहले पार्ट से परेश रावल और अक्षय कुमार अपना रोल रिप्लाइस करेंगे लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट से पता चला कि परेश रावल ने इस प्रो, प्रोजेक्ट को करने से डिनाई किया उसके बाद में जून 2021 में सिक्वल के ऊपर ऑफिशियल फाइनली कन्फर्मेशन सुनाई दी गई जहां पे नई स्टोरी थी स्टेनल ऑन सिकल था जहां पे अक्षय कुमार ने अपना रोल रिप्राइज किया इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम को इस फिल्म में उसी महीने में जब अनाउंसमेंट हुई थी उसी महीने में रोप किया गया था उनको इस कहानी के साथ जोड़ा गया था उसके बाद में अरुण गोविल ने काफ़ी लंबे समय के बाद इस फिल्म में प्रिंसिपल के तौर पे नवंबर 2021 में इस कास्ट को ज्वाइन किया हुआ था और एक कम किया हुआ था फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की जो फिल्मिंग के पंकज त्रिपाठी को लेते हुए पहले शेड्यूल में 2 सितंबर 2021 को मुंबई से स्टार्ट की हुई थी अक्षय कुमार ने इस फिल्म के शेड्यूल को पर फिल्म के सेकंड शेड्यूल में आए थे उन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को सेट ज्वाइन किया फिल्म का तीसरा शेड्यूल दिसंबर 2021 में रखा गया और उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को तैयार करवाया गया एडिटिंग के लिए भेजा गया से उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन करवाया और रिलीज के लिए फिल्म को तैयार किया गया म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें फिल्म में चार गाने सुनने को मिलेंगे म्यूजिक के राइट्स जी म्यूजिक

जो सताइस जुलाई 2023 को जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था और उस गाने को शेखर अस्तित्व और ने लिखा हुआ था विक्रम मंत्र से ने उसका म्यूजिक और सिंगिंग दोनों की हुई थी होते यार गाने को गिनी दीवान ने लिखा हुआ था म्यूजिक प्रणय ने दिया हुआ था सिंगर प्रणय और कैलाश खेर थे एकलो चलो पारो करके जो गाना था उसके लिरिक्स संदेश सांडलिया ने लिखे हुए थे म्यूजिक संदेश सांडलिया ने दिया हुआ था और श्रद्धा मिश्रा ने उसको गाया हुआ था ये चार गाने थे फिल्म में जिसकी लेंथ थी चौदह मिनट छब्बीस सेकंड दो में गानों को रिकॉर्ड किया गया जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा सभी जवानों को आठ अगस्त दो हज़ार तेईस को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में YouTube पर अवेलेबल किया हुआ था मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की पोस्टर के साथ मार्केटिंग की गई थी के द्वारा सभी गानों को आठ अगस्त दो हज़ार तेईस को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल किया हुआ था मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की पोस्टर के साथ मार्केटिंग की गई थी अक्टूबर 2021 में जब अनाउंसमेंट हुई थी तब लॉर्ड्स वो बेटे एक का नाम है विवेक जो आरुष सर वर्मा वो रोल प्ले कर रहे हैं दो बच्चों में से आरुष वर्मा का रोल है वो विवेक का है जो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है स्कूल टॉयलेट में उसका मास्टर बेटिंग का वीडियो होता है वो कोई रिकॉर्ड कर लेता है वीडियो उतार लेता है और उसको सोशल मीडिया में डाल देता है जो वायरल हो जाता है उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आने लगते हैं वो उसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट इस इनडिसेंट बिहेवियर के चलते उनको रेस्टिकेट कर देते और बाद में कांति मुर्गल अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है कुछ अलग प्लेस पे चला जाता है जब वो वहाँ पे जाता है तब वो लॉर्ड सिवा के मैसेंजर से मिलता है जो रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे और वो भगवान के मैसेंजर कांति शरण मुडल को समझाते हैं कि जो उसके बेटे ने किया वो उसकी गलती नहीं थी उन्होंने उनको एडवाइस दी कि वो अपने बेटे के लिए लड़ाई करे फाइट करें तो अब आगे कांति किस तरह से कैसे चीज़ों को हैंडल करता है और उन सभी चीज़ों को हैंडल करते समय उसको क्या दिक्कतें आती है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के डायरेक्टर वो इस फिल्म के राइटर भी है सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो मास्टर बेटिंग के ऊपर जो सभी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की हुई थी जो टॉपिक पकड़ा हुआ था वो पूरी तरह